आ गए आप लोग। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक सेकंड रुके, थोड़ा मैं चेक कर लूँ। मुझे लग रहा है कि शायद वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ ना हुई हो, बाकी सब कुछ सेटिंग वेटिंग देख लिया जाए। ऑल राइट, सो स्टार्ट करें। अब टाइम पे आ गया हूँ मैं, मैंने बताया भी था, मैंने इंस्टा पे अपडेट किया था कि हाँ मैं 8 बजे आने वाला हूँ रात को, और मैं बिल्कुल टाइम पे हूँ। मैंने लेट नहीं किया है। सो आई होप कि आप लोग भी टाइम पे आ गए हो। और या ओके, लेट्स गो, वेट नहीं कराऊंगा मैं, डोंट वरी। ऑल राइट, कुणाल कसौटिया, हाय मिस्टर, आई रिमेम्बर यू, बिहार वाले सर, मुझे आपके बारे में पता है। लोकेश, हाय लोकेश। सुमन, सिंगल प्लेयर या राइट, कंटिन्यू। किस फाइल पे हमने लोड की थी, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ डे 11 है शायद, चल रहा है। हाय मैन, हेलो 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 हेलो, थोड़ा खतरनाक कुछ चीज़ें आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा इस गेम के बारे में, ताकि आपको आइडिया रहे कि गेम में, क्योंकि आज मैं अकेले खेलूंगा, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कुछ जगह पे, ठीक है। रावण इज हियर, ओके 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 ओके। हिमांशु, दर्शन, अरमान त्यागी साहब, और कौन है हमारे पास, वसीम। ऑलराइट गाइस, एक काम करो, फटाफट आप मुझे थम्स अप दो ताकि हम गेम में आगे बढ़े और स्टार्ट करें। चलो लेट मत करो, चलो 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 स्टार्ट करते और आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, लेट नहीं है कोई भी, तम टाइम पे हम स्टार्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। एलन वेक, एक वीडियो रह गया, रहने दो, जो रह गया सो रह गया। मैन कम ऑन, फटाफट फास्ट, ओके ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, चलो ठीक है। आपके थम्स अप मिलना स्टार्ट हो गया है मिस्टर अंश, अंकुर, वरुण, आदित्य, देवा, सिद्धार्थ, चलो ठीक है। पाठक जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक फाइल नंबर 1 ही थी, ठीक है। 1 इसलिए थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा हल्का सा इन्नी मुन्नी सा खेला है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा। चलो इसलिए, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास लकड़ियों की अगर व्यवस्था करनी हो तो बहुत वेट ना करना पड़े और हमें डायरेक्ट मिल जाए, इसलिए ठीक है, दैट्स व्हाई। चलो एक बात आपसे कहूंगा, गेम में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं गेम में आ जाऊं, फिर आपसे बात करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। लेट मी, कितना वक्त लगेगा इसमें, ऑल राइट फाइन, ये क्या हो रहा है, ओके 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 ओके। देखिए एक चीज करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना ठीक है। निखिल मिश्रा, लव फ्रॉम लखनऊ, भाई याद हूँ, यस मिश्रा जी आप याद है मुझे, नवाबों के शहर से हैं आप, याद है मुझे। ऑलराइट, एक चीज़ हम करने वाले हैं, बस ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। जब भी रात होगी ठीक है, बस आप मुझे रिमाइंड करा देना कि रात के वक्त मुझे ये करना है, ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके इसको बढ़ाना है। इससे हुआ क्या कि आपको दिन में तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा आपको, बहुत ब्राइटनेस, लेकिन रात के वक्त आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नहीं बट इतना दिखेगा कि आप देख पाओगे। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए, चौहान ब्रदर धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। तो इतना बस याद दिलाना, फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ, इसको नॉर्मल रखते हैं अभी, और दिन के वक्त मैं नॉर्मल लेके चलूंगा, जो भी हमें मिल रहा है वो दिन के वक्त लेके चलेंगे, ठीक है। चलो मेरी हेल्थ सब कुछ ठीक है, मेरी हेल्थ कुछ कम है पता नहीं क्यों, कैसे, एक सेकंड रुकना, थोड़ा मैं आग जला, वैसे आग जलाने की जरूरत नहीं है, मत 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 मत, क्योंकि आग जलाने के बाद एनिमीज आ जाएंगे। थोड़ी हेल्थ मेरी कम है, आप मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, एकलव्य सायनी, हाय एकलव्य, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए टाइम से। सो एक चीज करता हूँ, रुक जा पहले थोड़ा टांग देते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मीट पड़े हैं ना उनको हटा देता हूँ मैं, ओके और एक मीट और पड़ा हुआ है इसको पका लेते हैं, क्योंकि खाने में काम उससे बढ़िया एक आइडिया मेरे पास और है, क्यों ना जो पहले का मीट को रखा हुआ उसको यूज़ कर लेते हैं, लाइक ये वाला, और जो ये मीट है हमारे पास इसको मैं टांग देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया अभी, बस उसको ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताया है, ताकि ये रात हो तो आप मुझे याद दिला सको, मैं इसको टांगता हूँ। अंकुर खेर, एकदम बढ़िया अंकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अभी आप लोग आ गए एकदम मस्त हो गया हूँ, और मज़ा भी आएगा आज, क्योंकि आज हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ क्राफ्ट करेंगे आज, क्योंकि गेम में इस लेवल पे तो आ गए हैं कि हम चीज़ें क्राफ्ट कर सकें बना सकें। सो या थोड़ा पका लो फिर खाता हूँ ना इसको, एक सेकंड, बढ़िया। मैं दिन के वक्त गेम स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, अब मैं सुबह सुबह निकलेंगे ठीक है। बस एक चीज़ आपको अभी दिखाता हूँ मैं, आपको याद रहे उसके लिए, ताकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो।
लेट मी शो यू। अभी मैं इसको फुल करता हूँ रात के वक्त, थोड़ा सा हल्क पहले कब तक, कम से कम इतना तो। वहां पर लाइट जल रही, कोई आदमी है वहां पे। यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज। अभिजीत नायक भाई, डेज गॉन सबसे बेस्ट था। लव डेज गॉन बेस्ट था और डेज गॉन मैं दोबारा खेलूंगा, डोंट वरी। पूरा गेम नहीं, बट जो जॉम्बी से फाइट करते हैं, होर्ड से सामना करते हैं, वो सब मैं दोबारा करने वाला हूँ, ठीक है। मिस्टर प्रभात, आई लव द वे यू एड लाइफ इन टू द गेम। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मुझे लगता है कोई एनिमीज नहीं है। चलो ठीक है, दिन के वक्त आगे बाहर निकलते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर आगे निकलते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज दिस। ओके ठीक। वैसे एक चीज और आपसे डिस्कस कर रहा था, ध्यान सुनना मेरी बात। हमने एक चीज नोटिस की कि यार ये 9 दिन बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट गेम। और मेरा प्लानिंग अभी तक ये था कि प्लानिंग मेरी ये थी कि एक दिन हम लाइव करूंगा, मैं एक दिन लाइव करूंगा और एक दिन गैप लूंगा, ठीक है। बट इससे बहुत वेट करना पड़ रहा है, और हम लोग स्टैंडर्ड डीप लेके चल रहे हैं। हम लोग लास्ट ऑफ अस 2 भी कभी कभी खेलते हैं, फॉरेस्ट गेम हमारे पास है, होराइजन जीरो डॉन। तो इस तरह अगर एक लाइव के बाद दूसरे किसी गेम की बारी आएगी तो उसमें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक चीज सोच रहा हूँ। आइडिया ये है कि मुझे एक और बनाना पड़ेगा ताकि मैं और आइटम लगा सकूं। आइडिया ये है कि अब मैं 2 या 3 दिन लगातार लाइव करूं और 1 दिन गैप करूं, ये प्लान है मेरा। तो आप लोग बताओ, अगर आप लोग आ पाओगे तो। प्लानिंग मैं ऐसे कर रहा हूं कि लगातार 1-2 दिन गैप, 2 या 3 दिन लगातार मैं लाइव करूं और 1 दिन गैप करूं। उसे हर गेम को टाइम मिल जाएगा और बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। इसको यहां लगाना पड़ेगा ऐसे, परफेक्ट। एक और आ रहा है, इसको भी लगे हाथ निपटा देते हैं ना। यस ठीक है बढ़िया। नहीं डेली तो पॉसिबली मुझे भी ब्रेक चाहिए होगा ना, पगले डेली कैसे आ पाऊंगा। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, जरा मैं इसको हटा दूं। ये क्या है, छोटा सा मीट। काफी सारे हो गए, खाने की दिक्कत अब नहीं होगी, इसलिए आप देख पका लेते हैं। सो क्या दिक्कत है, एक मिनट। आदित्य सिंह, जय जगन्नाथ, कोई प्यारा सा गाना हो जाए। आदित्य साहब, अगर आप लास्ट तक रुकते हो तो बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट में अगर आप मुझे याद दिला दो एक बार, तो हम जब यहां से जाने वाले होंगे उस वक्त। एक चीज आपको दिखाना था, वैसे जितने देर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा या फिर मैं जितने देर खाली बैठा हुआ था, मैंने कुछ चीजें चेंज की हैं। लकड़ियों की थोड़ी व्यवस्था मैंने की है। व्हेन वी आर मीट मोहित, विल यू बी माय फ्रेंड। अरमान तिवारी, तिवारी साहब वो तो मिलने के बाद समझ में आएगा, लेकिन हाँ अभी तक आप मेरी वीडियो देखने आते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शुक्रिया उसके लिए। लेकिन हाँ जब मिलेंगे तिवारी जी तो देखते हैं, चौबे जी और तिवारी जी मिलते हैं तो क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा। तो लकड़ियों की मैंने ढेर लगा दी है यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, ठीक है। लॉग्स मैंने कुछ पकाया था, राइट, एक मिनट खा लेता हूँ पहले, क्योंकि मेरे पास हेल्थ और मेरी वाटर दोनों कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने बहुत सारे ऑलरेडी लगा रखे हैं पानी के लिए, तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने खाया फिर मेरी हेल्थ बड़ी क्यों नहीं अभी, ये क्या बात हुई। खैर एक और ले लेते हैं यहाँ से। मैंने इंसानों के हाथ पैर भी टांग रखे हैं यहाँ पे, जस्ट इन केस अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी कि बहुत हालत खराब हुई तो कल को मैं वो भी खा सकूं, इसलिए मैंने लगा दिया है। अब मेरी हेल्थ फुल है। गाइज एक चीज आपसे पूछना था मुझे यहाँ पे। आपने नोटिस किया होगा जब मेरी हेल्थ कम हो रही है तो मैं मेडिसिन खाता हूँ तो मेरी हेल्थ फुल हो जाती है। लेकिन अगर मेरे पास मेडिसिन ना हो तो फिर मैं अपनी हेल्थ फुल कैसे करूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे रेड जो बार है वो नीचे की तरफ है, मुझे उसको बढ़ाना है और मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ तो होगा जो मेडिसिन जिससे बनती हो, वो मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। खैर थोड़ा सा काम करता है। डाइंग लाइट कब ढारे यार, खेल रहे हैं कुछ और, आप डाइंग लाइट के पीछे पड़ गए। एक मिनट, थोड़ा सा
फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि घर में वैसे अगर आप नोटिस करो एक चीज़ आपको दिखाऊँ मैं, लेट मी शो यू थंबनेल हॉरर गेम का, ऑब्वियसली हॉरर गेम का है ये, आप क्या लगता है आपको यहाँ पे मजा आता है जब हमला होता है तो भी आप हमला होगा तब देखना कैसा है ये, कौन सा हॉरर है ये। बाय द वे बस ये ध्यान रखना मैं पार्ट वन स्टार्ट किया था, मैंने पार्ट टू पे सेव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। नहीं 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 सेव हो गया पता नहीं कहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, ओके मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारे पास आज मैंने खा क्या खाया, आलू की सब्जी थी, आलू मटर और टमाटर की, मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, लेट मी शो यू। हमें यहाँ पे टू डू लिस्ट करके है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस बच्चे के साथ मैं प्लेन पे चढ़ा जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जो एक बच्चा हमारे साथ था उसका नाम टिमी है और टिमी इस वक्त गायब है, टिमी को खोजना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद हमारी बाकी चीज़ें भी सर्वाइव करने के लिए, वो है सेटअप है, कैंप हमने कर लिया, कुक फूड हमने कर लिया, डिफेंस बनाना है, फिर सिंक होल में जाना है और पैसेंजर जो बाकी लोग मिसिंग है उन्हें भी फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। बहरहाल जयंत राहत कैसे हो मोहित भाई, स्टैंडअप का नेक्स्ट एपिसोड, जयंत मैंने अभी इसी के बारे में बात किया जस्ट अभी आपके शायद इस सुपर चैट कुछ देर पहले ही बात किया मैंने कि जो एपिसोड्स हमारे आ रहे हैं बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं लगातार दो या तीन दिन लाइव करूंगा अब और एक दिन गैप लूंगा ताकि हर एपिसोड आराम चलता रहे, बिकॉज अभी मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि हम 8 या 9 दिन बाद खेल रहे हैं ये गेम, तो इतना वेट नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है फिर मिस होगा बहुत सारा, दैट्स व्हाई। तो जल्दी जल्दी आएगा उम्मीद यही है, थैंक यू सो मच बाय द वे सुपर चैट की जैन साहब। माय नेम पर किसका फोटो लगा है कहां बताया आप माय नेम, मतलब इसकी बात कर रहे हो आप, कहां बताया आप मैं इसकी बात, अच्छा टिमी फोटो, ये उसी बच्चे की फोटो है जब प्लेन में हमारा एक्सीडेंट हुआ, बंद हो क्या हो गया ये रिफ्रेश, मैं एक सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूं यहां पे, आई थिंक बंद हो गया क्या शायद ये हमारा लाइव, मेरी तरफ से लाइव ऑन है, मैं गया नहीं हूं मैं यहीं पे हूं, क्या हो गया यार ये मैं पॉज करके रखा हुआ हूँ बिकॉज पता नहीं है, मैं यहीं पे हूँ मैं कहीं नहीं गया हूँ, अगर आप लोग आ जाओगे तो मैं रिज्यूम कर दूंगा वरना मैं डिलीट कर दूंगा, और स्ट्रीम ऑफ हो गया ऑफ हो गया, नहीं मैं यहीं पे हूँ मैं यहीं पे हूँ, एक बार आप लोग अपना रिफ्रेश करो जो करते हो, मैं इधर ही हूँ मैं कहीं नहीं गया हूँ मैं यहीं पे हूँ, कुछ होगी नौटंकी इसकी यूट्यूब की, आई डोंट नो आप रिफ्रेश करके देखो, अब आ गया सब ठीक है, चलो ये फोटो टिमी की है, वही बच्चा है जिसके साथ हम प्लेन में बैठ के यहां पे आए हुए थे, ठीक है चलो बाय द वे एक काम करते हैं, रैबिट फर स्टिक बैग एक चीज बनाते हैं यार, स्टिक बैग बनाते हैं बिकॉज लकड़ियां इकट्ठी करने में बहुत दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से, सही हो गया ठीक है इट्स ओके इट्स फाइन, होता है दिक्कत आती है कोई बात नहीं, एक मिनट ये बनाते हैं स्टिक बैग, एक तीन कपड़े चाहिए होंगे, तीन और दो रस्सियां चाहिए होंगी, बढ़िया हमारे यानी बैग एक तरह से आपका एक्स, फिर से बंद हो गया स्ट्रीम, ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है चल रहा है यार, और FPS कहां से कम लग रहा है आपको, एक बार देखो ऐसे, अरे यार बंद करना पड़ेगा क्या आज की स्ट्रीम, मैं बात कर रहा था रोज करने के लिए, ये कैसी आवाज, मैं बात कर रहा हूं यहां पे हर 3 दिन लगातार करने के लिए और आप लोग बोल रहे हो कि आज की स्ट्रीम खत्म हो गया है, चलो एक मिनट मैं सेव कर देता हूं इसको, अगर दिक्कत लगी तो बंद कर देंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कोई बात नहीं है, रुको पता नहीं दिक्कत हो रही है शायद आज कुछ चालू है,
अरे यार फिर ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हो कि बंद हो गया एंड ऑल। चलो इट्स ओके, आई होप कि कोई दिक्कत ना हो। बाय द वे मैं आगे खेलूं यार, रुको फिर वेट करूं मैं क्या करूं, आई मीन सभी लोग तो भाग गए फिर। चल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रही है आवाज़। ओके ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है जो जितने लोग हैं देखो आराम से आप, हमें स्टार्ट गेम खेलते हैं। हमला होने वाला है शायद, एक मिनट मैं अपने बेस से थोड़ी दूर जा रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे बेस पे हमला हो और ये मार दे मुझे। वो लोग तोड़ रहे हैं क्या मेरा घर, मुझे पता नहीं है, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा बट मेरे बेस पे हमला हुआ है शायद, और भी एक दो नहीं चार पांच है वहां पे। मैं भी जा नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत कम है अभी और मैं इतनी हेल्थ पे लड़ाई कर नहीं पाऊंगा। थोड़ा घूमते हैं, घूम के देखते हैं, कुछ चीजें इकट्ठी करते हैं, लिजर्ड स्किन कुछ बनाते हैं इसका यार, स्टिल्थ आर्मर बनाते हैं इसका, इसका यूज करते हैं। एक दो तीन चार, एक और बनाते हैं। स्ट्रीम चल रही है, ठीक है इट्स ओके इट्स फाइन, ठीक है बढ़िया। आप लोग हो चल रही है कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक है आराम से देखो वॉच करो। इसको पहनते हैं, परफेक्ट, मैंने दोनों हाथों में लगा लिया, देख रहे हो आप। वैसे मेरे पास एक कपड़ा, एक सेट कपड़ा भी है यहाँ पे जो मैं उठा लाया था कहीं से, देखो ये जैकेट है शायद, गर क्लोथिंग आउटफिट ब्लू जीन्स एंड ग्रे शर्ट, और जो अगला वाला है वो है जैकेट एंड ब्लैक जीन्स, मे बी ये उसके लिए, वो ठंडी के लिए है। ठीक है द मिनाटी, गुड इवनिंग भैया जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, थैंक यू सो मच मिस्टर मिनाटी बताने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे लगा शायद बंद हो गया, पता नहीं कुछ हो रहा होगा इशू, आई डोंट नो। एनीवे आगे बढ़, थोड़ा सा घूम के आते हैं, कुछ हेल्थ के आइटम मिल जाए तो मज़ा आ जाए बिकॉज हमारे पास है नहीं इतना। अभी देखते हैं लकड़ियाँ कितनी इकट्ठा कर पाता हूँ, मेरे पास जो वो है ना बैग उसके साथ। अरे बाबा रे, डरा दिया इसने बिल्कुल बदतमीज कहेंगे एक बार में। सॉरी थोड़ा चीख दिया मैं, वहां पे डर गया था मैं, अचानक से हमला किया उस बदतमीज ने। रावण हेलो मोहित भाई, रिमेंबर माय रियल नेम। रावण साहब आज आप शायद लास्ट स्ट्रीम में आया नहीं था ना, अब आप ऐसे बोलोगे कि एक स्ट्रीम आके एक स्ट्रीम में गायब हो जाओगे तो कोई है यहाँ पे मेरे पास रावण जैसा, वो भी दिख रहा है सामने, तो फिर कहाँ से याद रहेगा। आप आओ अपना नाम प्लीज बता, कमेंट किया करो, भूलो भूला मत करो ये चीज कमेंट करना वरना फिर मैं मिस कर जाऊंगा। एक सेकेंड अगर मैं शिट, ओके नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा था, स्ट्रीम बंद हुई थी उस टाइम पता नहीं क्यों, और मैं नहीं बंद किया था ये चीज़। खैर इनको लेके चलते हैं और पकाते नहीं है, मेरे बेस के पास एक भूत सा घूम रहा है वो चार आठ टांगों वाला, पता नहीं मैं बेस पे वापस जाऊं या ना। देखो सामने देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा जॉट रेंजर कनिष्क गुडारा गंगानगर, कैस श्री गंगानगर कैसे हो, मैं आपके लास्ट टू ईयर से वीडियो देख रहा हूँ, लास्ट टू ईयर से सब्सक्राइब यू, मेरी फर्स्ट सुपर चैट आपको, थैंक यू सो मच कनिष्क, बहुत प्यारा नाम है आपका भाई, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। वो ऑक्टोपस अकेले नहीं यहाँ पे, जिसका हमला मेरे पास अभी हुआ था वो लोग भी हैं और शायद मुझे घेर के मारने का प्लान हो, आई डोंट नो। मैं इसकी बॉडी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि बोन्स मिल जाएगी इससे अगर मैं, एक मिनट अगर फाइट हो ही रही है तो ढंग से हो जाए फिर और क्या, शायद इसके पास टॉर्च पता नहीं मिल जाए, जितने खोपड़ी वाले होते हैं उनके पास टॉर्च होता है, अगर इसके पास टॉर्च हुआ तो बात बन जाएगी। ये हमला कर नहीं रहा लेकिन टॉर्च है इसके पास। एक और बॉडी थी यहां पे, ये रही। अब इसकी बॉडी से टॉर्च निकालना कैसे है वो देखना है बस मुझे, ये
एक तरीका और है वैसे, इन दोनों को टांग टांग के वहां तक लेके जाना, मतलब गायब ना हो जाए, इसलिए मैं बारी बारी ड्रॉप करता हूँ इनको, बारी बारी। You have received a message. अरे ऑक्टोपस यहीं घूम रहा है, मैं बेस पे जा नहीं पाऊंगा यार। एक तरीका और है, एक काम कर सकते हैं, यहीं पे आसपास ही कुछ लगा के तब काम करना होगा, लाइक बेसिक फायर, एक यही स्टार्ट कर देते हैं यहीं पे। बढ़िया, थॉट संगमा, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। आप वहां से है ना, नेपाल से, आपने बताया था, मुझे याद है। अगर इसकी बॉडी को मैं जला रहा हूं तो शायद जलाने के बाद जो इसकी बॉडी से निकले वो टॉर्च वो मुझे मिल जाए, पता नहीं, शायद कंफर्म नहीं हूं, शायद मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बाकी देखते हैं। बहुत क्रीपी सा गेम है या नहीं यार, यहाँ पे चीजें वो करना, आई मीन खाने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए मारना, लाशों को काटना पीटना है थोड़ा सा। एक स्ट्रीम मिस हो गई थी, आई नो तभी मैंने बोला। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 8 जनरेशन, सर आप बियर्ड क्यों बढ़ा रहे हो? पुष्पा चैप्टर 2 पर आने वाले, ये आज से थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, ये 5-6 साल हो गए बियर्ड रखते हुए, पहले ऐसा थोड़ी है कि अभी से अचानक से निकले, ऐसा नहीं है। आपकी भौजी ने बोला कि अच्छा लग रहा है, तुमने बोला रख लेते। बदतमीजी मत करो, बदतमीज। वैसे आपने नाम नहीं बताया अपना, 8 जनरेशन साहब। खैर यहाँ ध्यान देते हैं, टॉर्च मुझे मिली नहीं यार, ये क्या है, सिक्के हैं, मैंने उसको मारा बट टॉर्च कहीं गायब हो गई, पता नहीं, टॉर्च मिली नहीं है मुझे। एनीवे चलो, देख रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये हड्डी ये घूम रहा है ना, ये इससे फाइट करने वाली मेरी पता नहीं हेल्थ अभी इतनी है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा भागते हैं, घूमते हैं, बाद में आते हैं, अभी फाइट नहीं करेंगे इससे। शुभ, हाय, हेलो शुभ, कुछ फुदक रहा है यहाँ पे वो। मुझे एक बार वैसे चेक करना था कि मैं कितने आइटम्स इकट्ठे कर पाता हूँ अब पाउच बढ़ाने के बाद, बट दिखा नहीं है वो। टॉर्च नहीं मिलेगा आर्चर से, सिर्फ मेरे बेस के पास नहीं है, सारे पूरे जंगल में घूम रहे हैं मुझे मारने के लिए। बट एक चीज़ तो है, जहाँ पे पहले स्टार्टिंग बताई गई थी, अगर आप आग जलाते हो तो आप उससे गर्म तो आपको रखेगी, लेकिन प्रॉब्लम एक ये हो जाएगी कि ये जो जॉम्बीज या जो भी एनिमीज यहाँ पे भूत वूत हैं वो उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये है दमिनाटी, टॉर्च नहीं मिलेगा आर्चर से, एक हेडशॉट मारो मर जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ मैन, अगली बार हेडशॉट ट्राई करते हैं फिर, अगर ऐसा फाइट ऐसा कुछ हुआ तो। यहाँ पे गुफा है, हाँ गुफा है, चला जाए, मेरी हेल्थ कम है वैसे, मर सकता हूँ, आप लोग कहो तो चल सकते हैं। एक तरीका और है, लेकिन गुफा में जाने से पहले मैं थोड़ा सा खुद को अपग्रेड कर लूँ फिर चलते हैं, आई मीन थोड़ी स्टेमिना वगैरह बढ़ा लेते हैं फिर। कोई घूम रहा है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे आसपास ही, कुछ है यहाँ पे, वही तो है, वही है, अच्छी बात है, वो दूर जा रहा है, उसको जाने दो, मैं अपनी बेस पे चलता हूँ, ये हड्डी वड्डी को वो मेरे बेस पे घूम रहे हैं सारे, पता नहीं तोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं वहां पे वो, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा यहां से, वरना ये मारेंगे तो वो मार देंगे। यहां सरवाइव करना इतना आसान नहीं है, प्लस मेरी एनर्जी भी कम हो रही है बॉडी में, वो अगर थंबनेल कहां से बनवाते, कोई मेरी कंपनी नहीं है कि मैं कहां से बनवाता हूं, मैं खुद बनाता हूं यार। अब इतना नहीं है कि मैं पूरी टीम बना लूँ इसके लिए, कि थंबनेल के लिए अलग से टीम बना रही है, कोई थंबनेल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मेरी दाढ़ी बना रहा है, ऐसा नहीं है, मैं सब खुद करता हूँ। चलो इंटर मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। आर्मर बना लो, आपकी बात तो सही है, देखते हैं कितना चाहिए होगा। बोन आर्मर 6-3 ना, और क्या चाहिए, 3 ये चाहिए मेरे पास। थैंक यू सो मच बताने के लिए हिमांश। चलो मैंने कहाँ लगाया आर्मर, अच्छा पैरों में लगाया क्या, पैर में दिख रहा है शायद,
चार बनाएंगे तब जाके पूरी बॉडी पे लगेगा वो आर्मर। अभी जो मैंने लगाया सिर्फ उस पे है, पैरों पे है। चलते हैं एंट्री मारते हैं, बिकॉज बेस पे जाने कोई दूर तक मुझे कुछ ऑप्शन दिख तो नहीं रहा है। और एक अंकल यहाँ पे घूम रहे थे, पता नहीं वो हटे कि नहीं हटे। मेरे बेस पे बहुत सारी बोन्स पड़ी, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि आर्मर वहां से मिल जाएगा, बट कोई नहीं। You have received a message. अरमान तिवारी, तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं आप? You believe in paranormal activity? Not so much. ऐसा कुछ मैं नहीं मानता फिलहाल तो। अब आप ये करो, जिसको देखा नहीं उसे बिलीव कैसे करें, ये सब बातें हैं तो फिर शायद वही मान लो। लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अकेले रहते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं, अप्रॉक्स 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से मैं अकेले रहता हूँ और 100 से ज़्यादा अलग अलग जगह रह चुका हूँ और अकेले ही रहता हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ है, वो कोई मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सो मैं बिलीव नहीं करता। खैर सेव करते फिर आगे निकलते हैं। मेरे पास बोन्स का पूरा एक भंडार पड़ा हुआ है, तो आर्मर बनाता हूँ उसे फिर बाहर निकलेंगे। 12वां दिन, 12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे उतरे हुए और कोई पता नहीं है टिमी का या फिर किसी पैसेंजर का। बाकी हम पैसेंजर को खोजेंगे भी क्या, क्योंकि जो वो लोकेशन है, जो गुफा है, वहाँ पे ऑलरेडी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये लोग इंसानों को ही मार के काट के खाते हैं, तो उनको खा रहे होंगे पकड़े, कोई छोड़ेगा थोड़ी उनको। खैर ये रहा, अगर यहाँ पे आएगा थोड़ी हेल्थ वेल्थ बढ़ा के चल तब चलते हैं। चलो मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ उठा के खा लेते हैं, लाइक दिस। परफेक्ट, थोड़ी हेल्थ ठीक रहेगी, तो अगर दिक्कत होगी फाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नोटिस करो जितनी बार मैं खाना खा रहा हूँ मेरी हेल्थ हल्की फुल्की बढ़ रही है, बट वो तरीका नहीं चाहता मैं। आओ थोड़ी सी अपनी हेल्थ बढ़ाते फिर बाहर निकलते हैं। चलो हो गया, बढ़िया, लेट्स गो। अगर आप लोग रेडी हो गुफा में जाने के लिए, वहां पे जहां मेरी मौत भी हो सकती है, तो आप लोग एक थम्स अप देना, फिर मैं देखूं कि आप लोग रेडी हो और हम एंट्री मारते हैं वहां पे। चलो मैं सेव करके जाऊंगा, लेकिन ताकि मरूं ना, और मरूं तो वो एक काम लेकिन और करेंगे, अगर वहां जा रहा हूं तो मैं ब्राइटनेस वहां बढ़ा दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या हाल है मोहित भाई? मेरा 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और आप ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो फ्रॉस्टन गेमर, मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है बहुत, स्टार्टिंग में जब 1000, 1500, 100 कंप्लीट होते हैं तो इट्स गुड यार, नाइस। आइए हम कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर लेते हैं फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, बस इतनी कर सकता हूँ। ओके, एक वट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1, एक्स का डैमेज बढ़ा लो। ठीक है आप, ठीक है चलो फिर कंफर्म। अरे गुस्सा कहाँ रहे हो, कौन है ये हिमांश, कहाँ है इतना गुस्सा रहे हो, ब्याह हो गया तुम्हारा? लगता है ब्याह नहीं हुआ है, इतना गर्मा रहे हो। बना रहा हूँ, सब्र करो बालक, सब्र करो। चलो ये रही हमारी आर्मर, कोई आसपास है क्या? आर्मर में पहन रखा है, मेरे पैरों में दिख रहा है शायद। देखो मैं आपको दिख रहा होगा, एक बोन सी लटक रही है वहां पे। थोड़ा और बना सकता हूँ मैं, एक मिनट, कितनी है मेरे पास? 1 2 3 3 है, 3 और लेते हैं। 1 2 3 4 5 ठीक, अब मैंने पहन लिया पूरा फुल सेट। मेरे पास इतनी बोन नहीं बचेगी, पूरा फुल सेट बनाओ, मैं निकल रहा हूँ, लेट्स गो। बहुत वेट करेंगे तो हमें ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है चलो इस बेस को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, बट एक आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि मेरा परमानेंट बेस है तो ऐसा नहीं है, बस ये टेम्पररी बेस है। सोचो टेम्पररी बेस, इतनी शिद्दत से बना रहा हूं मैं तो बेस में बहुत भयानक बनाने वाला हूं, क्योंकि यहां पे बनाना बहुत ईजी है यार, क्राफ्टिंग करना और ये सब चीज़ें करना बहुत ईजी है, इसलिए चलिए अब हम चलते हैं एंट्री मारते हैं वहां। अरहन राजपूत साहब प्लीज स्पैमिंग मत करो प्लीज। जिसने भी वो डिस्क्रिप्शन में जो QR कोड है, आप जिसको देख के अगर स्कैन करके डोनेशन किया है 100 रुपीज एंड 20 रुपीज का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन सरकार ने पेड किया, थैंक यू सो मच चंदन सरकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने देख लिया। और जितेंद्र प्रसाद
मोहित भाई लव यू फ्रॉम दिल्ली हिमांशु. हिमांशु थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए. वो सुपर चैट नहीं है, उसको डोनेशन ही बोलूंगा, वो तो आपने अलग से किया. थैंक यू सो मच. चलो भाई लोग एंट्री मारते हैं, आओ मजे करते हैं. वाओ, वैसे एक बात है, गुफा में जाने जहाँ पे जो जगह सेव करो सेव करो सेव करो. ऑलरेडी कर लिया है सेव, अब हम निकल रहे हैं वहां पे घूम के आते हैं. चलो आओ, सेव हमने ऑलरेडी कर लिया था. ये क्या, ये है क्या? अरे अरे यार ये बच्चा शायद, पता नहीं क्या है ये, बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा घिचिर पिचिर वाला गेम है ये. आपको थोड़ा अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके देखना होगा. बहुत ज्यादा यहाँ पे सामने खरगोश है शायद. एक और भाग गया वो बदतमीज. रुक जाओ तीन यहां उठा लो, पहले निकलते हैं. चलो लेट्स गो. ओके थोड़ा डार्क है, अब रुकना ठीक है. पता नहीं मैं कहां पे हूं, जहां भी हूं ठीक जगह पे हूं शायद. एक एक काम कर सकते हैं, अगर मैं लकड़ी का वो बनाऊं अब जलाने के लिए कुछ तो काम कुछ हो सकता है. एरो क्राफ्टेड एक्स बोन एरो स्पीड वेपन डैमेज वेपन, मतलब वो जलता रहे कुछ देर तक. बर्निंग, हाँ ये रहा बर्निंग. इसको बनाते हैं रिमूव. आपको इसे देखने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है. चलो गाइस एक चीज के लिए मुझे याद दिलाना, मैं अभी आपके लिए मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ. जब बाहर निकलेंगे तो उसे कम करना पड़ेगा वरना बहुत तेज रोशनी आएगी. उसे ध्यान दिला देना मुझे हटाना है वो ठीक है. चलो मैं गेम सेव कर सकता हूँ यहाँ भी. ऑप्शन है, पता नहीं कैसे हट रहा है क्यों. ये रहा परफेक्ट, ये अच्छी बात है. थोड़ा केव एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट में गेम में लिखा हुआ था कि इसका बहुत ज्यादा पार्ट आपके उसमें है केव में है ब्राइटनेस. तो मशाल बना लिया मैंने, तो वहां पे हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं. मैप जितना एक्सप्लोर जितना करते जाएंगे मैप बनाने में, मैप कंप्लीट करने में ईजी होगा. चलो यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज. गुरजिंदर गेमर थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए. गुरजिंदर गेमर काफी भारी भरकम नाम है आपका, आपके चैनल का. बाय द वे आगे बढ़ते हैं. आरपीजी मैक्स गेमिंग थैंक यू सो मच डोनेशन के लिए, आपने अलग से स्कैन किया. थैंक यू सो मच अविनाश मिश्रा, थैंक यू. लव फ्रॉम बनासर आपने कमेंट लिखा है, बनारस है शायद वो. एनीवे आओ, अगर यहाँ जिंदा बाहर निकल गए तो फिर बहुत अच्छा होगा, नहीं निकल पाया तो फिर कोई बात ही नहीं. और ज्यादा डीप में जा रहा है ये चीज. कुछ कोनिचीवा, कोनिचीवा, आई डोंट नो, मुझे जापानीज प्रिज़न नहीं आती. अगर आप उसमें बात कर रहे हो तो यार इस गुफा से बाहर निकलूंगा कैसे? अगर मैं यहाँ, मैं अगर कहीं नीचे उतर गया तो शायद गुम हो जाऊं, इसलिए मैं नीचे नहीं उतर रहा हूं. मैं थोड़ा सा, अरे सॉरी. ओके ओके मिस्टर हुसैन गेमिंग प्लीज डोंट स्पैम. महेश वर्मा थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए. महेश साहब धन्यवाद, आप लास्ट टाइम भी आए थे. चलो 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 आराम से आगे बढ़ते हैं. यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज. रोज लाला धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए. थोड़ा सा यहाँ पे चीखने चिल्लाने वाली चिल्लाने वाली चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहना ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कब किससे सामना यहाँ पे हो जाए. अभिषेक
दत्ता आर्या अभिषेक थैंक यू सो मच डोनेशन के, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। अभी इस टाइम सारे कमेंट कर रहे हैं जिस टाइम पता मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बदतमीज डॉक्टर के जैसे लग रहे हो। अच्छा ये पहनने के बाद शायद मे बी, बट इसका कलर ब्लू है, इसमें व्हाइट व्हाइट बहुत अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं मतलब बहुत पता नहीं कौन सा कलर है। एनीवे चलो यार उतरते हैं। आवाज सुनो एक बार, ऐसा लग रहा है कोई कोई रो रहा है, कोई एक काम करते हैं, इस वाले में नहीं उतरते हैं अभी, अगले वाले में चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे रिस्क लेंगे, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं। अंदर गया कोई पटक के मार लिया फिर क्या, मतलब मार दिया तो क्या क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, और मेरी हेल्थ वेल्थ भी कम हो रही है, तो जो पिछला वाला था वहां उतर के देखता है, वहां शायद कुछ मिल जाए। इस वाले में बाद में जाएंगे। कुमार सुमित धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार। क्या ये गेम है? हाँ ये गेम है, और क्या लग रहा है आपको? मैं अपना आपको पासवर्ड दिखा रहा हूँ, ये तो भूत है, भूत अभी है नहीं है, मुलाकात हो सकती है। भाई तो उतरते हैं, शायद देखते हैं मुलाकात यहाँ भूत से यहाँ पे हो जाए। आओ बहुत ही मतलब रोने वाली मनहूसियत वाली ऐसी आवाजें आ रही हैं, तो वो थोड़ा परेशान करेगा। ये कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है जहां मैं उतर, मेरे कंधे पे लगा हुआ है आर्मर, मतलब एक काम करते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए इसको नहीं। अगर मेरा किसी सामना यहां पे हो जाए तो पहले से तैयार रहा हूं उसके लिए, मैं कर रहा हूं ये रिस्की गेमिंग। लव फ्रॉम लखनऊ सर। ओहो नवाबों के शहर से आप, टुंडे कबाबी, अपना नाम नहीं बताया लेकिन आपने, बट थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। आवाजें यहां कौन, यहां कौन सी कमारी, यहां भी बहुत है, इवन पानी पानी गिरने की टपकने की आवाज भी कितनी भयानक लग रही है यहां पे। चलो हेल्थ मिला, बढ़िया। अगर यहां पे आए तो कुछ अच्छी चीजें मिल जाए उसके बाद। सारे नर मुंड रखे हुए, कितने लोगों को इन्होंने मारा होगा खाने के लिए, सोचो जरा। और सवाल ये है कि जो उस प्लेन में पैसेंजर थे वो कहां गायब हो गए, कहां मर गए, ये नहीं देख रहे हो कि इतनी सारी मुंड पड़ी हुई किसकी हो सकती है, उन्हीं की होगी और किसकी होगी, उन्हीं को मारा गया होगा। खुलेगा नहीं है खैर, हरजीत गेमिंग आई रिमेम्बर यू बड़ी भाई, कैसे रिमेम्बर मी, मैंने पहले ही बोल दिया आई रिमेम्बर यू। आप मेंबरशिप ऑन कब करोगे? करूंगा उसकी प्लानिंग चल रही है, थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ कि किस प्लान पे क्या मिले उसके हिसाब से, और फिर मैं ऑन करूंगा। यहाँ कोई एनिमीज तो नहीं थे, बट एक मिनट लगे, यहाँ तो एक काम करते हैं, इसको इसे खोल लेते हैं। हमेशा एक नई ड्रेस मिली आई थिंक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे लगता है जब बारिश होगी या बहुत मैं भीग जाऊंगा, गीला हो जाऊंगा, उस वक्त ही शायद हमारी हेल्प करे। यहाँ पे और कुछ खास नहीं, यहाँ से बाहर निकलते राइट। हैरी कुमार थैंक यू सो मच हैरी सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर बहुत डरावना है, ये डरावना अगर आपको लग रहा था जो मैं दूर जहाँ पे गया हुआ था, जहाँ पे वो शैतान की आवाज आ रही थी, वो कितना खतरनाक होगा, आपको ये डरावना लग रहा है तो एनीवे यहां से निकलते हैं। मुझे बाहर निकलना पड़ेगा भी, बिकॉज मेरी मुझे पानी पीना पड़ेगा, मेरी हेल्थ बहुत 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 डाउन हो रही है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में नहीं, मैंने आई डोंट नो तिवारी साहब, मैं नहीं जानता इसके बारे में। वैसे जिसका डर था वो हुआ नहीं, मतलब मरा तो नहीं मैं, लेकिन हाँ इतना पता है अगर दोबारा यहाँ पे आए तो
शायद प्रॉब्लम हो सकती है। चलो गेम सेव कर रहा हूँ, ऐसे बाहर निकलने वाले, थोड़ा खुद को देखते कुछ नया क्राफ्ट कर करते हैं, उसका दोबारा फिर से यहाँ पर यहाँ पे चक्कर मारेंगे, जहाँ पे खतरनाक भयानक आवाज़ें आ रही है वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अगर जिंदा बच गए तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर आप क्रिकेट देखते हो, प्लीज़ रिप्लाई। क्रिकेट के बारे में मेरी नॉलेज अगर आप जानो तो फिर, अगर आप मुझसे पूछो कि क्रिकेट में 5 प्लेयर्स के नाम बताओ, शायद मैं वो भी मुश्किल से बता पाऊँ। इतनी नॉलेज है मुझे क्रिकेट के बारे में, इतना बड़ा फैन हूँ मैं, आप आगे समझ गए होंगे। बस इतना ही है। ओ वेट, अविनाश मिश्रा थैंक यू सो मच डोनेशन के लिए, थैंक यू यार। मैं इधर ही कहीं से आया था ना, पता नहीं, ये रहा। चलो बाहर रात हुई पड़ी है, मुझे लगा था कि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने ब्राइटनेस यहां बढ़ाया, अब ये क्या बला है? ये शैतान है या कोई बच्चा है? एक मिनट, पता नहीं ये भी कोई, इससे कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन ये है बहुत खतरनाक सा। ओके अरमान तिवारी और बैटल किंग्स ऑफ व्हाट फियर ठोकोड, इतना आसान नहीं है, डर तो लगता है साहब थोड़ा बहुत, वो भूत है, मेरे फूफा जी के लौंडे नहीं है, पटक के मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए थोड़ी इस ताकत बढ़ाते फिर वहां घुसेंगे, अभी नहीं। आ जाओ, अपने बेस को भी देखना है ना, अगर एनिमीज अगर तोड़ ताड़ के भाग गए तो फिर क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं। ओ शिट, बुक कर दिया हमने उसे, वरना मार दिया होता। अरे यार एक इसको हटाओ यार। बढ़िया, नाइस शॉट मैन। चलो वो ओके। हेलो मोहित भाई, हेलो हेलो मिस्टर, हेलो हेलो हेलो। क्रिकेट से इतना प्रॉब्लम? क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम, कैसी बात करो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार। हर वो चीज़ जो लगता है कि टाइम वेस्ट कर रही, बुरा मत लेना इसको, क्रिकेट के फैन हो तो बुरा लग सकता है बोलने वाला हूँ जो, बट मुझे लगता है हर वो चीज़ जो ऐसे टाइम खा रही है जिससे कुछ ऐसा कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मैं नहीं देखता। आप बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, अब तो इसको अदरवाइज मत लेना इस बात को, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं देखता, दैट्स इट। चलो सेव करते, दिन करते, फिर यहाँ से थोड़ा सा खुद को सेट करता है। चलो 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 चलो, ओके टाइम नंबर 2। महेश वर्मा थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, डाइंग लाइट का एपिसोड पता नहीं, आई थिंक कल शायद, पता नहीं, मे बी कल, दिन करते हैं यहां से। डैमेज बढ़ा लो बॉटल्स से, ऑल राइट मैंने बढ़ाता हूं फिलहाल आप लोग के लिए, मैं जय जुगाड़ कर दूं, वरना आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, मैं इसको डिस्प्ले को कम कर देता हूं ताकि दिन में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलो। हैरी कुमार, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, उसका तो लाइव किया ही हमने, तीन घंटे किया था कल या परसों किया था, तो आप शायद हैरी आप लेट हो गए थोड़ा, मैं ही बता रहा था ऑडियंस को भी कि हम अभी ये काम करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि फिलहाल मैं खरगोश खाने वाले हैं, खरगोश में खाऊंगा नहीं, मैं उसको टांग दूंगा, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत मीट है, तो हम ये करने वाले हैं कि मैं लगातार लाइव करूंगा, एक दिन का गैप लेकर 2-3 दिन लगातार इस तरह से, ताकि एपिसोड्स आते रहें और आपको बहुत लेट ना हो, वेट भी ना करना पड़े देखने के लिए। मैं इंसानी हाथ नहीं खाना चाहता अभी के लिए, कुछ ऐसा खाते हैं जो इंसान खाते हों, लाइक नॉर्मल मीट, खरगोश कैंड ऑल। चलो बढ़िया, परफेक्ट। अब थोड़ा डोंट वरी, बहुत ये भोर पता, सुबह सुबह का वक्त है, सूरज निकलने वाला है, दिन हो उजाला हो जाएगा, ठीक है? अभी थोड़ा डार्क डार्क सा है, इसको सेव नहीं करना, निकलते हैं। मैं एक्स बनाता हूँ यार, बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं है शायद, ये क्या है, एक्स है ये? नहीं, रिपेयर टूल है, नहीं मैं वो बनाता हूँ एक्स, क्योंकि मैं मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं जिसे पेड़ काटना थोड़ा आसान हो, कुछ ऐसा। ओके फोकस करते हैं कुछ क्राफ्ट करने पे। एनीवे
एक तरीका वैसे और है, जिप लाइन का इस्तेमाल करके मैं दूर तक आ सकता हूँ, लेकिन जिप लाइन के लिए रस्सियाँ बहुत सारी चाहिए और रस्सी के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए। कपड़े बहुत सारे नहीं है मेरे पास। मैंने पता नहीं क्या पहन रखा है, अजीब सा डॉक्टर टाइप कुछ, मतलब रियल लाइफ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने पहन रखा है, कुछ अजीब सा कपड़ा, पता नहीं कैसा कपड़ा है वो। एक बार चेक करते हैं अभी, जस्ट वेट, एक बार मास्क वास्क निकालूँ उसके बाद। अगर बारिश हुई तो ये काम आएगा, अभी अभी तो नहीं। शिट यार, चलो हाँ कुछ मैं क्राफ्टिंग की बात कर रहा था, कुछ देखते हैं जो हम आज बना सके अपने लिए, जो हमारे काम का हो। ठीक है एक मिनट, एक सुपर चैट मैंने मिस कर दिया। हरजीत गेमिंग, सुख भाई को किडनैप करके वीडियो बनाऊं उनके साथ, वो लगे हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसमें यार, विलरेंट में, उनको यहाँ से मैं कैसे उठा के लाऊं? आप ही उनसे पूछो तो आपकी बात सुन के शायद वो आ जाए। मैंने तो बहुत बोला, मेरी बात तो नहीं मान रहे, तो मैं और क्या बोल सकता हूँ। कुछ ऐसा क्राफ्ट करते जिससे थोड़ी हमें रैबिट ट्रैप, नहीं ये ट्रैप है, एनिमीज को मारने, इनको ट्राई करते हैं, बट ट्रैप बनाते हैं राइट, थोड़ा काम। हैप्पी बर्थडे ट्रैप ये बनाते हैं यार, मजा आएगा, लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे ट्रैप को ऐसी जगह बनाते हैं जो हमें लगे कि एनिमीज आने वाले हैं वहां, ऐसे। You have received a message. ये उल्टा ना बन जाए बस ये हैप्पी बर्थडे ट्रैप। क्या चाहिए इसके लिए? 18 पत्थर, 18 पत्थर नहीं चाहिए होगा कुछ। चार लॉग चाहिए, ज्यादा ही ठीक था ब्रो ब्राइटनेस, ज्यादा ठीक नहीं था, अभी धूप होने वाली, फिर आपको बहुत ज्यादा लगेगा वो, अभी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कर दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुको, धूप होने वाले ना फिर आपको नॉर्मल लगेगा वो। निर्मल, मल्टीप्लेयर विद अस का क्या ख्याल है? मैंने बताया तो है बाबा, ज्वाइन बटन ऑन करने वाला हूँ, फिर आपके लोगों के साथ खेलूंगा मल्टीप्लेयर, डोंट वरी, उसमें ऑप्शन ये रखा है मैंने। आओ मिस्टर वॉरियर किंग, आई प्रेजेंट सर, मैं सूर्या फ्रॉम IA, आप समझ गए होंगे। ऑडियंस ने बताना यार कि सूर्या क्या कहना चाहता है वो IA। सूर्या मुझे समझ नहीं आया IA का मतलब, ऑडियंस शायद बता दे, सूर्या के बारे में जरा बताओगे प्लीज, कैसा ना हो कि यार हम पकड़ा ना पाए। IA मतलब क्या हुआ? I'm from IA। ये कौन सा स्टेट है मुझे नहीं पता, क्या हो सकता है IA? हाइड्रेट, मैं ऑलरेडी हाइड्रेटेड हूँ क्योंकि मैंने पानी पी रखा हुआ है, पी रखा हुआ है। हरसिमरन सिंह धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम फाइन, हेलो हरसिमरन साहब, हाय। आप शायद बात करो पाजी से तो आपकी बात शायद वो सुने, मे बी, मेरी बात नहीं सुन रहे हरसिमरन साहब, एक बार बात करना सुखचैन साहब से, अगर वो आ गए तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा काम करना यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लेयर में यहाँ पे अगर सुखचैन साहब रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है अल्फा टिकी, यू आर, वी आर ऑलरेडी एवरी डे रेडी फॉर योर लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। वेट, हमला होने वाला है, उससे पहले काम कर लेते हैं, फटाफट भाग के पहले सेव कर लेता ताकि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हम उसके लिए तैयार रहें पहले से। चलो स्लॉट नंबर 2 पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, मरा तो याद रखना। किसी को नहीं पता क्या IA के बारे में? LA बोला उन्होंने, LA बोला आपने, लॉस एंजलिस नहीं यार, आपने IA बोला है शायद, लॉस एंजलिस शायद, फिर आप, फिर मैं गलत सुना। आ जाओ, इनको टपकाते हैं। हे मैन, एक बार ट्रैप बनने के बाद आई होती आंटी, बहुत सारे हैं। अरे फिर हटाओ इसको पगले, ओ ये दमदार खतरनाक शॉट, दूर तक पहुंचा नहीं क्या वहां तक? आंटी हिलना नहीं, अरे हिलो नहीं, इट्स ऑसम, मुझे नहीं, ट्रैप उल्टा है फिर तोड़ देंगे अगर ट्रैप उल्टा है तो, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ,
आंटी अभी लगे हाथ तो लिखा लो ना इसको। आ, क्या डॉज किया इसने, एक बार और। मेरे पास एरो नहीं है क्या? हरजीत सिंह, उनकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लो फिर आ जाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ मैन, उनकी गर्लफ्रेंड किडनैप कर लूंगा फिर उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के फिर मेरे पास आके फिर और दिक्कत हो जाएगी ना। आप समझ नहीं रहे हो। सिड कलाकार कलाकार शाह, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। बाय द वे एक सेकंड रुकना प्लीज। एरो कैसे बनता है? ससुरा एरो बनाते हैं। मेरे पास ये क्या है, अपग्रेडेड स्टिक। और अब ये एरो कैसे बनेगा यार, शिट। कोई बात है आंटी, आंटी को ऐसे टपकाते हैं, इससे टपकाते हैं। आओ ना, भाग क्यों। चलो आ जाओ, चलो 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 चलो, मारो जल्दी। थैंक यू। ये दोनों गायब ना हो जाएंगे, इनकी इनको मैंने वो किया हुआ है भैया ट्रैप। मैं चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। थैंक यू सो मच, पहले आपने बता दिया, मैं चेंज करता हूँ यार। जरा इनको मैं एक बार स्वाहा कर दूँ उसके बाद। चलो, मैंने बोला ना, हर कोई भी यहाँ पे, दिन हो या रात, कोई पल यहाँ पे, कोई भी टाइम यहाँ पे सेफ नहीं है। रुक जाओ चाचा, आ रहा हूँ मैं। मैंने पहले इसको मारा था, इनके अभी फिलहाल मैं इनके बोन्स इनको इनको नहीं खाने वाला हूँ, बिकॉज अगर हमारे पास ऑलरेडी है आइटम तो क्यों इनको खाना। सामने देख रहे हो वो, देखो 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 दूर, देखो देखो दूर, दो शैतान जैसे घूम रहे हैं। एक जैसे जैसे दिन बीत रहा है यहाँ पे नए तरह के म्यूटेंट्स, नए तरह की वो चीजें आ रहे हैं। आंटी को मत मारो, नहीं मारूंगा तो आंटी मेरी मार लेगी, और मंजूर नहीं है मुझे किसी भी कीमत पे। एरो सारे खत्म हो गए, पता नहीं स्टिक से ही बनेगा एरो, और कैसे बनेगा, ट्राई करके देखते हैं। चलो बढ़िया। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, चाहिए नहीं। हिमांशु गुप्ता, मिस्टर वॉरियर किंग, इंडियन आर्मी, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मेरा फेवरेट। धन्यवाद सुपर चैट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अपने हर वीडियो में बोलता हूँ साहब, ये मोहब्बत कभी कम नहीं होने वाली, वो तो आखिरी सांस तक रहेगी, और अभी भी और रहेगी, और ख़त्म कभी नहीं होने वाली है। हिमांशु थैंक यू सो मच सुपर चैट के, गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बिहार वाले पाठक जी, टॉर्च उठा लो। टॉर्च नहीं मिला मुझे, टॉर्च गिरा है क्या यहाँ पे कहीं? ये आवाज कैसी आ रही है, कोई आ रहा मेरे पास तो भागते हो, मेरे पास आ रहा है शायद। अगर वो बेस तक पहुंच गया तो पूरा बेस तोड़ देंगे यार, शिट। मैंने उन लोगों को मारा, उनके बोन्स गायब ना हो जाए, मैंने बोन्स उठाया तक नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज बताओ, ये तो आपको गेस करना चाहिए, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी होती है। रॉन्ग क्वेश्चन। बाय द वे मेरे बेस की तरफ ही जा रहे हैं यार, मैं बचाऊं तो बचाऊं कैसे? या तो मैं उनके पास जाऊंगा, पीछे से ऐसे चुक से करके भाग जाऊं तो शायद वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, तो मेरा बेस बच सकता है। ये कर सकता हूं मैं, और मेरे बेस पे ही एंट्री कर रहे हैं वो। अरे यार उसे क्या होगा यार, कुछ तोड़ तो नहीं रहे, बस घूम रहे हैं मेरे बेस में वो लोग। जिनको मैंने मारा उनकी बॉडी उठाने के लिए आए, उनकी लाश उठाने के लिए आए हुए हैं क्या वो? एक मिनट, कुछ मारा मैंने, कुछ पता नहीं क्या मारा, अभी कुछ मारा था मैंने, आई डोंट नो, शायद छोड़ो जो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये फेदर उड़ रहे हैं यहाँ पे। जब चिड़िया को मारता हूं तो उससे, अरे यार क्या हो गया ये, यू हैव अ इन्फ्लिक्शन, कब खेलोगे? पता नहीं, एक बार यहां जिंदा बच जाऊं तो शायद इन्फ्लिक्शन खेल सकता हूं, अभी का मुझे आइडिया नहीं है ब्रो। मुझे वो दिख रहा है कि मेरी, मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया उनको मारने में, और मेरे बेस पे ही घूम रहे हैं यार, शिट। एक बहुत ही सांड जैसा एक है, और एक वो जहां पे मैं लगाता हूँ खाना पकने के लिए ना, वो वहां फंस गया, वहां से भाग नहीं पा रहा है वो वाला, और जिसके 8-10 हाथ है वो
वो पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत तांडव कर रहा है खड़ा होके। पानी में जाऊँ, पानी में जाके क्या करूँगा, मेरे पास मेरे पास कोई हमला थोड़ी कर रहा है यार, पानी में क्या करूँगा क्या जाके मैं। वैसे एक तरीका, एक काम कर सकता हूँ अभी जब तक यहाँ पे घूम रहे हम लोग। अरे हाँ, बहुत देर से वेट सोच रहा हूँ उसको बनाने के लिए, वो क्राफ्ट कर लेते हैं एक हैमर जिससे मैं थोड़ा जल्दी पेड़ काट पाऊँ। चेक करते हैं हैमर बनता कैसे है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। एरोस क्राफ्टेड एक्स, एक पत्थर चाहिए और 5 रस्सियाँ चाहिए। एक पत्थर हो गया, 5 रस्सी नहीं होगा, कुछ और होगा। एक पत्थर और एक रस्सी नहीं, मेरे पास रस्सी से बन जाएगी। महेश वर्मा, महेश धन्यवाद यार सुपर चैट के, थैंक यू सो मच। थोड़ी साउंड मैंने कम किया सुपर चैट की, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोग को, आई होप। ओए भाई क्यों बोलते हो, जय हिंद जय भारत, क्या बात। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मतलब फादर के फादर के फादर, श्री विश्वनाथ चौबे नाम है उनका, वो थे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आप जानते होंगे। तो बचपन से इन्हीं माहौल में रहा हूँ मैं, मेरे 6 बुआ हैं, उनके सभी हस्बैंड कोई आर्मी, BSF, CRPF, सब पूरा माहौल ही घर के यही है। तो आप जब बचपन से जिन चीज़ों को देखते हुए बड़े हो गए, तो क्या लगता है आपको, आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तो अंदर से उबाल मारेगा, इसलिए वो जबाँ पे आती है चीज़ें। खैर मैं कहाँ पे था, कपड़े बनाने पे, नहीं रस्सी बनाने पे। एक रस्सी होगी, एक लकड़ी होगी और एक पत्थर हो गया, इससे बनेगा एक आई थिंक। इसका डैमेज उतना ही जितना इसका है, नहीं सर ज़्यादा है, इसका ब्लॉक अच्छा है। ओके आओ, मैं कर क्या रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी यहाँ पे एक पेड़ काट रहा हूँ ताकि अगर कल को भागना पड़ा अपने को बेस छोड़ के, वो शैतान भाग गए शायद, तो मैं बैठने की कुर्सी बना सकूँ ताकि मैं आराम करके अपनी स्टेमिना और हेल्थ बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं पेड़ काट रहा हूँ। कम ऑन, इसका डैमेज अच्छा है, इसका वो बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा इसकी रफ्तार। मेरे बेस के आसपास ही वो घूम रहा है, उसका एक रीज पानी में मरते हैं, पानी में मारते हैं भाई, क्या मारते हैं पानी में। अरे यार शिट, धत तेरे की बदतमीजी कर दिया आप लोग यार, गिर गया पूरा। ऐसे ऐसे बदतमीज लोग हैं ना, शिट माइक पर भी लग गया यार, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली जब मैंने उन लोगों को मारा था ना, उनके दोस्तों को, तो उनकी लाश को जलाने के लिए मैंने भाग ही जाओ तुम, उनकी लाश को जलाने के लिए मैंने आग जलाई थी, और उस आग की वजह से वो अट्रैक्ट होके वो आ गए यहाँ पे। हेडशॉट ले लो, हेडशॉट किसको ले लो, वो बहुत दूर है, और वैसे भी उनकी उनका हेड 10 हेड है, मेरे पास एरो 1 है, हेडशॉट कहाँ से ले पाऊंगा मैं। खैर ये बनाते हैं, एक मिनट एक मिनट, इससे होगा क्या ना कि मेरी हेल्थ और स्टेमिना पूरी फुल हो जाएंगी, तो अगर भागना हुआ बहादुरी से तो मैं भाग सकता हूँ, बस ये बात है। ठीक है, म्यूटेंट पानी में डेड होते हैं, ऑल राइट बट पानी में आते नहीं, पानी में डेड कैसे होंगे, ये बात समझ में नहीं आई कुछ, जो पानी में आता ही नहीं पानी में डेड कैसे हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेके। वो देखो दूर, देखो 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 आप मौसा जी खड़े हैं आपके, दिख रहा है सामने आपको, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, अब समझ में आया क्यों नहीं जा रहा हूँ। और वो बेस पे जाने पे बेस पे हमला कर देंगे, छोड़ो यार निकलते हैं यहाँ से। एक तरीका मेरे पास, एक चीज़ और मेरे पास और है, मैं जो बहुत पहले सोचा था वो करने के लिए, वो ये है कि अपने बेस के लिए एक नया अच्छा लोकेशन ढूंढना, मैं वो करने वाला था जहाँ मैं बेस बना सकूँ। मुझे ध्यान रखना होगा मेरे ट्रैप उल्टे हैं, मुझे ट्रैप कंप्लीट करना है, मुझे थोड़ी सी अपनी आर्मर बढ़ानी है बॉडी में, ये चीज़ें हम करेंगे अभी। और हाँ हेल्थ के लिए जो आपने बोला था वो एलोवेरा के लिए, मुझे अब तक मिला नहीं है, अगर एलोवेरा मिलता है मुझे कहीं पे तो फिर मैं हेल्थ का ध्यान रखूंगा, अभी मेरा कोई मिला कहीं भी मिला नहीं है अभी तक के, मतलब यहाँ पे इस आइलैंड पे उतरे 12 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। मिस्टर वॉरियर किंग आइए, इंडियन आर्मी, क्या बात है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, गलत बात है ये चीज़, आइए क्या होता है, नेक्स्ट टाइम से सब मत लिखना, हमेशा इंडियन आर्मी पूरा यूज़ करना, गर्व की बात है ये, कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है, कैसी बात कर दी आपने।
आगे साहब हमेशा पूरा लिखना, कहीं भी लिखना, कहीं बोलना तो आओ घूम के आते हैं। I don't know, ये इनका बेस, इन्होंने कुछ बना रखा है दूर तक देखने के लिए शायद। मैं थोड़ा और दूर जा रहा हूँ अपनी बेस से, ठीक है। आज अभी जब तक मेरा बेस खाली नहीं हो जाता, मतलब मेरे बेस एनिमीज भाग नहीं जाते, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, शायद कोई नया अच्छा लोकेशन मिल जाए। पता है प्लानिंग यही है कि बेस वहां बनाओ जहां पे पानी के उस तरफ कोई गांव है क्या। देखो एक वो दिख रहा है विलेज जैसा, और कुछ चीजें गिरी हुई है, पता नहीं वो बॉक्स है क्या है। रेड ड्रैगन, एल्डन किंग इज मच हार्डर देन। कैसे क्या, कैसे कैसे मान लूं आप जो कह रहे हो। आपने ना दोनों, आपने दोनों कहीं खेल के मुझे अगर दिखा सकते हो तो मैं मानूं। आप सिर्फ किसी की वीडियो देख के आप खुद से अनुमान लगा रहे हो, मैं नहीं मान सकता। आई एम रियली सॉरी, इस चीज़ में मामले में मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं मुझे जब तक वो चीज़ खुद में टेस्ट नहीं करूँगा मैं नहीं कर सकता। सेकिरो मैंने खेली है और हालत ख़राब हुई थी, तो फिलहाल मैं सेकिरो को टफ मानूंगा। एल्डन रिंग खेलूंगा जब वो टफ लगा तो कहूंगा कि हाँ वो टफ है। जब तक मेरे पास उस चीज़ का डेटा ही नहीं है मैं नहीं कह सकता, सॉरी। बट थैंक यू सो मच सुपर चैट करके बताने के लिए। कैमरा एंगल फर्स्ट पर्सन में करो, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि कैमरा एंगल आप चेंज कर सकते हो। ये वो स्टैंडर्ड डीप में है, यहाँ पे नहीं है। मेरा प्लान ये है कि मैं बेस वहां बनाऊं जहां पे पानी की पूरी व्यवस्था हो, पानी पीने की दिक्कत ना हो, लॉक्स की दिक्कत ना हो, मैं वहां बेस बनाने की सोच रहा हूँ। ये बात है, चलो। वैसे पहले मेरे माइंड में आइडिया था, जो ये भूत यहाँ पे, जो मैं भूत बोलूंगा, जो भी यहाँ पे भूत प्रेत है उनका जो अपना ये बेस है यहाँ बनाने के लिए। बट एक बात सोचो कि जहाँ इनका खुद का बेस है वो यहीं पे स्पॉन होते होंगे, तो अगर मैं यहीं पे बनाऊंगा अपना बेस तो फिर कल को मेरी मुंडी ऐसी अटकी होगी हैं करके करते हुए, तो बड़ा गंदा लगेगा वो देखने में। इसलिए मैं चाहता नहीं कि मेरी मुंडी का स्वागत यहाँ पे इस तरह से किया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना बेस नहीं बनाने वाला हूँ। ये जगह वैसे मस्त, वाओ चेयर, ये चेको चेयर बस डेकोरेटिव आइटम है, बैठने के लिए नहीं है कि आप इसको यूज करो बैठने के लिए, इसके लिए नहीं है ये। इंसानी हाथ गिरे हुए कटे हुए, परफेक्ट, ये जगह बढ़िया है। मैं स्लॉट नंबर 1 पे सेव कर रहा हूँ, ऑलराइट। चलो मोहित भाई, फिल्टर बंद करके बात करो। क्यों फिल्टर बंद करवा रहे हो चचा? फिल्टर बंद कर दूंगा तो आप लोग फिर कहोगे कि ये इनकी आवाज़ है, वो सुनो, वो देखो जरा, मेरारू लेखा, मेरारू जैसा आवाज़ लेके बात कर रहे हैं, बड़ा है, गेम खेलेंगे ससुर। आप लोग ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसे क्यों करूँ। वो देखो, देखो सामने, देखो सामने, दिख रहा है आपको, उसको आग लगी पड़ी है शायद, उसने हाथ में मशाल लिया, दौड़ के भाग रहा है वो। एक काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं तब तक। कहते ना डिवाइड एंड रूल, उनको काटो और रूल करो अलग अलग करके, तो ये अलग हो चुका है, इसको टपका देते हैं इस वाले को। वेट, उसको टपकाने से पहले इसको टपकाते हैं, बढ़िया। चाचा भैया रुको, मैं आता हूं। ओ मा Nice shot, baby. चलो एक मिनट, टॉर्च तो नहीं मिलेगा, मेरा एरो वापस मिल जाए बस। लाइट कहाँ जल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं लाइट कहाँ जल रही है। आई मीन अरे यार, मैंने उसे गुस्सा गला काट दिया पकड़ के वहां पे। शिट, अंकुर खेर, थैंक यू सो मच अंकुर खेर सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या पी रहे हो, हमें भी पिलाओ। ये इसको बोलते हैं अमूल मस्ती मसाला छाछ, 12 रुपए इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। मैं ये पी रहा हूं फिलहाल, उसको निकालते हैं जो मैंने वहां मारा।
अरे यार एरो ही नहीं है, शिट। लेट मी चेक कि एरो बनता कैसे है। पांच एरो, पांच पत्ती चाहिए, फेदर चाहिए, फेदर चाहिए। एक दो तीन चार पांच, परफेक्ट। अरे एरो लगाओ उस पे, है तो बढ़िया। बहुत दूर चला गया, फिर से। अरे वो जिंदा है शायद, पर एक मिनट फिर से। यार एरो ये निशाने गलत क्यों हो रहे हैं, हर एरो का अलग जाता जा रहा है क्या ये? पा, पा, ये ओके ठीक है, नाइस वन। अविनाश मिश्रा, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। पवन कुमार धन्यवाद। पवन कुमार गोड, थैंक यू सो मच सुपर चैट। आप लोग स्कैन करके भेज रहे हो ना शायद? थैंक यू। एक एरो दोबारा नहीं बन सकता, वो बनेगी नहीं, वो मिलता है एरो वाला ना, और मेरे पास वो है नहीं कि मैं बना सकूं। वो गायब हो गया यार यहाँ पे जो था। इसका करूँ क्या मैं? लेकिन अब आई मीन इसको काट काट के इसकी बॉडी पार्ट निकाल सकता हूँ मैं, और वो मेरा। ओ बॉय, ओ शिट। इनको एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट कर थोड़ा यहाँ पे आने के लिए। मैं यहाँ पे आग जलाता हूँ तो शायद यहाँ पे लोग आ जाएं। स्वाहा। जॉम्बीज देख रहे हैं मेरे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब शायद वो देखा नहीं उन्होंने कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि लीडर को जला रहा हूँ, वरना वो आए होते। वो सारे नज़रअंदाज करके सीधे भाग गए आगे की तरफ। आप कैसे हैं भाजी? ना बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अभी इस वक्त फॉरेस्ट में, आपको क्या लगता है मैं कैसा हूँगा? ना मजे में, बढ़िया फर्स्ट क्लास। थोड़ा वेट करते हैं, इसको जलने के बाद इसकी बोन्स लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। मैं 9:30 बैटमैन देखने जा रहा हूँ, फिर भी आप नाइस यार, जाओ मजा आएगा आपको, बहुत बहुत अच्छी मूवी है। गेम मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दूर दिख रहा होगा दो बड़े बड़े वो आठ हाथ वाले जॉम्बीज आगे घूम रहे हैं, इसलिए मैं आगे नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है? भूख लगने वाली है मुझे पता है, मैं दिख रहा हूँ हेल्थ बहुत कम है। बट खा सकता हूँ खाना, कुछ है मेरे पास आइटम्स हैं, लाइक ये थोड़ा कुछ देर के लिए हेल्प करेंगे। टेप रेबल मेगन्स अराइवल, वी वॉन्ट कैम कॉर्डर। किसी जो यहाँ पैसेंजर मरे हुए हैं, उनकी बॉक्स गिरे हुए हैं, उनके किसी पैसेंजर के पास शायद वो भी मिले मुझे क्लोथिंग आउटफिट। दो तरह के कपड़े हैं मेरे पास, एक है बाथरोब। अच्छा ये बाथरोब है जो नहाते हैं पहन के, यार वो बैग लेके घूम रहा था। चलो अपने बेस की ओर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इसकी आत्मा को शांति मिल, अरे आत्मा को शांति से याद आया, बोन उठा ली थी मैंने ना कि छोड़ दी शायद, नहीं उठा ली, अरे भूल गया। एक तरीका है वैसे, अगर यहाँ पे हम रुके हुए हैं कुछ देर के लिए तो क्यों ना इसको उठा के पका लिया जाए। यार राइट, खाना पक जाए फिर निकलते हैं खाना खाने के बाद। सामने चांद देख रहे हो कितना भयानक सा दिख रहा है वो, और उसी के नीचे दो जॉम्बीज बड़े वाले घूम रहे हैं, एक जिसके आठ हाथ है और एक बहुत ही भारी भरकम है। दो तरह के यहाँ मतलब म्यूटेंट बहुत तरह के, दो तरह से अभी हमारा सामना हुआ है। बोन से एरो बनता है क्या? वैभव गुप्ता, गुप्ता जी आपने कहा बोन से एरो बनता है, सीरियसली कहाँ थे आप? लकड़ी वेस्ट करा रहे हो, बोन से एरो यानी कि तीन तरह के यहाँ पैरो है, मे बी एक लकड़ी वाले हैं, एक जो मॉडर्न वाले हैं, और एक है बोन वाले। उनमें से स्ट्रांग कौन सा है पता नहीं, बट लेकिन बोन एरो में एक चीज देखो आप, पांच फेदर चाहिए, पांच फेदर चाहिए। और मैं फेदर का इस्तेमाल उस पर ना करूं, इस पे इसको इसकी इसको बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को, इसकी स्पीड बहुत कम है क्राफ्टेड एक्स की,
अभी एरो रहने देते हैं, पता है क्या, मैं बताता हूँ ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत है कि मैं अभी इसके डैमेज इसका ज़्यादा है, फिर इसको बढ़ाते हैं, इसकी रिलैक्स, टेक इट इजी बॉय, चलो इसको बढ़ाते हैं। एक बार और, एक बार और, बट बढ़िया। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहाँ पे इसको काटना पीटना, इसलिए मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसको रहने देते हैं अभी, कुछ अभी जो मेरा हथियार है ना बड़ा वाला, उसको बढ़ा लेते हैं। जॉम्बीज अभी गया नहीं है, रुके हुए वहाँ पे। एक और आ रहे हैं यहाँ पे हमला करने के लिए शायद ये लोग। अगर मैं इस ऑप्शन पे रहता तो क्या लोग आते मेरे पास? नहीं आते। रुको, तुम लोग का स्वागत करने के लिए कर रहा हूँ ये। इसको उठाते हैं और इस पे ये लगाते हैं, इसकी डैमेज बढ़ाते हैं। एक और थोड़ा सा और चाहिए होगा, बढ़िया। बोन से एरो बनता है, मैंने देख लिया, बट थोड़ा महंगा है बोन से एरो वाला, बढ़ाने वाला ना। घेर के मारने का प्लानिंग कर रहे हैं बदतमीज कहीं के। आ जाओ, हो जाए इसी बात पे। दो दो हाथ लस्सी के साथ, नहीं छाछ के साथ। आप लोग बहुत लेट करा, एक तरीका है। एक और, ग्रेट, टू डाउन वन टू गो। आंटी लगे हाथों, अभी निपट, बदतमीजी मत करना। वैसे आपने कोई कपड़े पहन नहीं रखे, आराम से हिलो नहीं ज्यादा, पड़ी ना, आराम से। अरे मर भी जाओ ना यार, क्या है कर रहे हो, ले लो, चलो सुहागा। एक मिनट, इनको निकाल लेते पहले यारों को सारे। यार एक चीज देखो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे डाउट हो रहा है इस चीज के ऊपर कि अगर मैं इनको जला रहा हूँ ना, कुछ मैंने पकड़ के रखा था ना, कोई दूर चीख रहा है जब उसके रिश्तेदारों को मार रहा हूँ, जला रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बॉडी पे टॉर्च उसके है तो उसको टॉर्च को निकालने का कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे। यार देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक यार, मुझे लगता नहीं कि निकलेगा ये, पता नहीं। क्योंकि बॉटल ऑफ क्लॉथ से मोलोटोव बनेगा। मैं देखता हूँ फिर। प्रभात ब्रो, डेड बॉडी को डायरेक्टली हिट करो बर्निंग वेपन से, इट विल गिव यू बोन्स। थैंक यू सो मच प्रभात, आपने शुक्रिया, आपने डायरेक्ट को किया डोनेशन, थैंक यू सो मच। चलो मैं कह रहा था मोलोटोव ट्राई करते बनाने के लिए, अगर हमारे पास वो चीज़ें ऑप्शन अगर है बनाने के लिए तो। बॉटल और क्या चाहिए? क्लोथ से। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपने बताया। टॉर्च निकालने कोई ऑप्शन है कि मैं इसकी बॉडी में जो इसे टॉर्च पहन रखा है वो निकाल सकूं? अंधेरे का दिक्कत दूर हो जाएगा, बट ठीक है। एक तो हथियार इतने सारे मिल रहे हैं, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मेरा कौन सा और इनका कौन सा, ये उठा के देखते हैं। इसको ड्रॉप, आइटम ड्रॉप कैसे होते हैं? मेरे हाथ पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है, इसे साफ करते हैं पहले। एक एरो मारो म्यूटेंट को, पानी में आके आपके डायरेक्शन में आके डेड होते हैं वो। एक एरो मारो म्यूटेंट को, पानी में आके आपके डायरेक्शन में आके डेड होते हैं वो। ओके वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, पानी में जाके और वो मेरे पर हमला तो कर नहीं पाएंगे, मैं उन पर हमला करूं।
बाबा रे बड़ी भयानक सी आवाजें आ रही हैं। नाइस। इस गेम में सब कुछ दिया हुआ है, क्रॉस हेयर नहीं दिया कब किन्होंने कि आप फाइट कर। और एक बात और, जितने तरह के यहाँ पे वो हैं, 1 2 3 4 5 6 दो नहीं किससे बनेगा, जितने तरह जितने अलग अलग तरह के आपके तीर हैं उतनी अलग तरह से उनको मारने का तरीका है, उनका एम है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमें। एनीवे 3 1 2 इसको हटाओ जरा। मैंने पहन लिया ना बॉडी पे, वो हट गया, लेकिन जो हमने पहले पहना हुआ था जो हमारा स्टार्टिंग वाला था कि जो बचने के लिए, वो हट गया बॉडी पर से। जो मैंने उनको मार इनको इससे मिल नहीं रैबिट से नहीं मिला था, जो लंबा सा नहीं होता है वो मगरमच्छ जैसा, उससे मिला था। एक खाना और बना लेते, अरे खाना बनाते हैं, मेरे पास पड़ा तो है आइटम। परफेक्ट, कुछ देर खाना पकने देते हैं उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। खाना खाने के बाद चलो बस एक बार हाँ या ना में कमेंट करना। इस टाइम में इस जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा रखा और उजाला, मतलब आके पास बैठा हूँ, आपको देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, मतलब सब कुछ ठीक है तो हाँ बोलो। आपको अगर दिक्कत हो रही देखने में, कोई डार्क बहुत लग रहा है तो ना बोलो प्लीज़, ताकि मैं समझूँ कि हाँ मुझे अब जाके दिन करना चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज करूँगा। वैसे मुझे ठीक ठीक दिख रहा है, वैसे तो आपको भी दिखना चाहिए बाय द वे। व्हाट अ क्वाया, व्हाट प्लीज डोंट स्पैम, मत करो चचा मत करो। मोलोटोव यूज करो बट किसके लिए। हाँ सही बोला आपने, कौन था ये, एक मिनट आसाद लतीफ, बहुत सही बोला आपने। अगर आर्मर पहनते हैं तो लेफ्ट में वो बार बढ़ता है वाइट, और बताता है कि हमारा खाना पक चुका है, बताता है कि हाँ हमने आर्मर धारण किया हुआ है बॉडी पे, वो चीज बेहतरीन है। सही है, क्लियर है, बढ़िया, ठीक है बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके ओके ग्रेट। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, चलो अब रुकने कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ही लाइटर जल क्यों नहीं रहा, बहुत जल्दी ऐसा एक वक्त आएगा जब मेरी पानी खत्म हो रही है बॉडी में से, मुझे वो पीना पड़ेगा, तो उसके लिए भाग रहा हूं फटाफट अपने बेस की ओर। कोई और आ रहा है हमला करने, बराबरी का मुकाबला नहीं होगा क्योंकि आप जो लेके आ रहा हूं मुझे भी वही यूज करना चाहिए। अब ठीक है, हुआ दो हाथ इसी बात पे, आ जाओ आप तुम, क्या ये पकड़े, कुछ फेंको मत, कर क्या रहा था पगलू, आग लगी आंटी बाद में आता हूं, आंटी कपड़े तो पहन लेती, शिट, अरे भागो 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 भागो, थोड़ा सा गलत हो गया निशाना, फिर से रो रो रो, जल्दीबाजी मत करो, रिलैक्स होके आराम से सांस लो पहले। नाइस, बट लगा नहीं, कंधे पे लगाया शायद, खैर बजा उसके हेडशॉट नहीं लिया था मैंने, उसका कहां मारा मैंने, नहीं इस क्लियर है। ओके आर्यन थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, कोई आ रहा, मैं यहां से रुकूंगा नहीं, मैं यहां से भाग रहा हूं, एक्चुअली भागना भी जरूरी है बिकॉज मेरी हेल्थ भी कम हो रही है और पानी का तो मतलब पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है, पानी का नाम लेते ही बारिश हो रही है, अच्छा है कि सोडा, कौन था ये बदतमीज जो भी बता रहा है, द मिनाटी थैंक यू सो मच यार, कहां थे आप भाई साहब, अभी बता रहे हो आप, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चलो निकला जाए यहाँ पे। एक काम करता हूँ, लकड़ी की थोड़ा सा आग जला लेते हैं ताकि बहुत अंधेरा ना हो,
है क्या? मुझे बनाना है वो जो जिससे आग जलता, मेरे पास है क्या पहले से वो? आप नोटिस करो ठंड से कांप रहा हूं मैं यहाँ पे बारिश की वजह से। थोड़ा सा पानी में जाके, नहीं पानी में जाके नहीं, वापस जाना पड़ेगा बेस पे। दिस गेम इज मल्टी, आई नो है ब्रो, जीटीएस टॉर्पिंग ड्राइविंग देखा, बट जीटी, अच्छा उसकी बात कर रहे हो आप, जीटीएस सिमुलेटर की बात कर रहे हो? अरे बहुत ज्यादा डार्क है तो यार, पता नहीं, बहुत सुधर हो चुका है। समीर आप नशे में हो क्या शायद आज थोड़ा? अभी लग रहा है आप माहौल बना रहे हो बैठे बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी टाइपिंग की वजह से, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा ऐसे झूमता हूँ तो आपकी भौजी को मैं ऐसे उल्टे से मैसेज करता हूँ। मेरी मम्मी वीडियो में देख रही है, बहुत मारेंगी वरना। चलो बदतमीजी नहीं करेगा कोई, भागते हैं फटाफट। अभी आपको लगभग एक या डेढ़ मिनट के लिए बहुत डार्क सा महसूस होगा, थोड़ा उसको प्लीज अवॉइड करना। एक बार अपने बेस से पहुंच जाओ फिर दिन हो जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा अभी रुकिएगा। बहुत चीज सी आवाज आती है और पता नहीं है क्या, मैं से बहुत पहले पाला पड़ा, कोई देख रहा है इसको? ये क्या है यार, ये एक छोटे से बच्चा ऐसा और वो जॉम्बी बन चुका है ऐसा लगता है, पता नहीं देखने में। और वो मारने वाला नहीं था पगलू, भाग क्यों? किसी को भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर भाई। गेम ट्रेड करो गेम के बदले, ये क्या होता है? गेम ट्रेड करो जीटीए के बदला। मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज, एक मिनट रुक जाओ। मानो क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। चलो जो मैं बेस का डिफेंस बना रहा हूं ना, इसका एक लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा ये अच्छा हो पाएगा। सो डार्क, मैं यहां पे या तो एक दिन कर लूं सो के, या फिर थोड़ा वेट कर लूं, बिकॉज ना उससे क्या होगा कि पानी वैसे भर गया होगा, बारिश बहुत देर से हो रही है। सो लेते हैं, दिन करते हैं, दिन के समय घूमते हैं, मजा आएगा। आ जाओ, या परफेक्ट। मैं समझा नहीं आप जो बोल रहे हो, गेम ट्रेड करो जीटी के बदले, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या मतलब। ये बच्चा ही है, बट जॉम्बी बच्चा है अगर बच्चा है तो, और वो मेरे ऊपर हमला करता है, पता नहीं वो मारने के लिए हमला करता है फिर क्यों पता नहीं, बट जब मुझे देखती वो ऐसे करके कुछ करता है, पता नहीं क्या, जो भी है इरादे अच्छे तो नहीं है ऑब्वियसली, मारना ही चाहता होगा मुझे। पानी नहीं है, पानी है, पानी भरा पड़ा है। एक मिनट रुको, एक काम करता है इसको, बारिश अगर हो ही रही तो इसको लगा देते हैं और ना मजा आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको एक और लगा देते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा पानी की। आराम से एक और, कोई है क्या? नहीं, और लाना पड़ेगा लकड़ियाँ, लॉक्स। अच्छा हाँ हाँ, मेरी ट्रैप उल्टा था ना, ट्रैप सही करते हैं पहले। आ जाओ, ट्रैप आप लोग बोलते हैं मैं उल्टा लगा रहा हूँ ना, ट्रैप उल्टा लगा रहा हूँ सच में। अच्छा हाँ, उल्टा लगा रहा हूँ, कुछ मिलेगा बदले में अगर खराब हो गया तो? नहीं मिलेगा, मिलेगा बढ़िया। मैं चाहता हूँ जो जॉम्बीज हमारे ऊपर हमला करें ना, तो ट्रैप से ही वो पहले से ही मर जाए, इसलिए। इतना दांत क्यों दिखा रहे हो आप, ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? समीर जीटीएस स्टार्मिंग ड्राइविंग देख के बहुत ये तो मैंने देख लिया था आपका, और उसके बाद क्या था? ओमकार दिवाकर, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए ओमकार, कैसे? एकदम बढ़िया, मजा में, सागर किनारे रूबी रॉय का करिए ना याद। आप बस आखिरी तक रहना मेरे साथ ओमकार साहब, लास्ट में आप याद दिला देना बस, जैसे मैं इसलिए फिनिश करूंगा, पर आखिरी में याद दिला देना, उसमें सुरूर होता है, माहौल बना होता है, मैं उस टाइम आपको एक बार थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ, ठीक है? चलो मैं उस पर ध्यान देते हैं, फिलहाल थोड़ा ट्रैप बनाते हैं। आओ, अगर ये जॉम्बीज एक हिट में ट्रैप से मरे तो मजा आएगा, इसलिए बनाते हैं हैप्पी बर्थडे ट्रैप। ट्रैप का नाम ही बड़ा अच्छा सा है वैसे, मैं इसकी बात कर रहा था, ये हैप्पी बर्थडे ट्रैप।
अगर ट्रैप अगर इस तरह से उल्टा है तो फिर इस तरह सीधा होगा राइट, इस नहीं एक मिनट, ये थोड़ा शोभा मेंटेन रहे मतलब ऐसे बने, हाँ ये परफेक्ट। अब लगाते हैं चीज़ जो चाहिए हमें। ये वॉल नहीं, इसको हटा दो, ये वॉल नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर मैं ट्रैप लगा तो वॉल क्या करेगा फिर। एक मिनट, रुको, इसको क्यों, बुक खोल, बुक को हटा। ए पगल, उतनी दूर बैठी है पंछी, इससे मारोगे, गई वो। बनाओ बानर जैसा मुंह बना के बैठो, अब ससुर कह रहे थे तीर निकालो तो नहीं। खैर पानी नहीं है, पानी नहीं है, किसकी बात कर रहे हो, पानी नहीं है। अरे बाबा कुछ बातें समझना बड़ा मुश्किल है आप लोग के लिए, आप लोगों को इस बातें समझने के लिए मुझे गर्लफ्रेंड कोर्स करना पड़ेगा। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड जाते हो बेबी सुना करके बात करते हो करते हो और फिर यहाँ आके बात करते हो, समझ मुझे कुछ आता होता है नहीं, इंसान की तरह बात करो ना बदतमीज, वो शॉर्ट टाइपिंग समझ नहीं आती मुझे। एक मिनट कहाँ पे था मैं, हाँ लॉग, दो रस्सी, रस्सी दो पत्थर 20 लकड़ियां एक और लॉग। फूड नहीं है, मॉडर्न एक्स केव में मिलेगी, डैमेज ज्यादा है उसकी, वो तो पता है केव में ऑब्वियसली अच्छा आइटम मिलेंगे, लेकिन एक मिनट यार, लेकिन केव में जाना इतना आसान नहीं है ना, केव में बहुत मुश्किल है, केव में जाना और वहां सर्वाइव करना। आपने नोटिस किया था जब मैं लास्ट टाइम अभी केव में गया था तो कितनी भयानक आवाज आ रही थी, भागना पड़ा हमें। हंगर, अच्छा हंगर बार की बात कर रहे हो, अब ऐसा अंग्रेजी में बोलोगे साफ तो समझता समझ में आएगा ना। चलो खाना खा लेते हैं फिर थोड़ा सा। अरे हाँ मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूँ क्या दिन में, वैसे आपको कैसा लग रहा है? देखो देखो ये ब्राइटनेस बढ़ा हुआ है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल ब्राइटनेस, ये वाला पहले वाला थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, दिन आपको मज़ा नहीं आएगा लेकिन देखने में। मीट वीट नहीं है क्या? अरे सड़ गया यार ये, चलो इसका मतलब अगर मीट आपने सही समय पर नहीं टांगा वहाँ पे डंडे पे तो आपकी मीट वो सड़ जाएंगी, फिर आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। दिवाकर साहब याद रखिएगा, आखिरी बार याद दिला दीजिएगा प्लीज़, भागेगा नहीं, अगर आप भाग गए तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आग जल रही है ना, ओके परफेक्ट, मेरे पास और कोई मीट नहीं है, जो मीट यहाँ पड़े हुए वो ये जो कछुए का शेल है जो इसको मारने के बाद मिलता है, ऐसा कोई और यूज है इसके अलावा कि मैं इसको स्टोर करूं? आई मीन एक ये मेरी बोन कलेक्टर है जहां मैं इनको मारने के बाद बोन कलेक्ट करता हूं, ये वो जगह है। इतने सारे ऑप्शन क्यों आ रहे हैं खाना खाने के लिए? आई थिंक जितने मैंने पंक्षियों से मारे थे ना सारे के सारे ब्राइटनेस में ही सही लगता है, ये बात है क्या? ठीक है आप जैसे आपको, बहुत ज़्यादा तो नहीं, इतना इतना रखता हूँ फिलहाल के लिए, इतना रखता है, चलो सेव कर लेते हैं क्योंकि बहुत। तो के रजा एक मिनट, अगर मैं इसको ना मारूं, नहीं मारना पड़ेगा यार कि फिर वो गायब हो जाते हैं, डिस्पॉन भी हो जाते हैं ना। हमने बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया लल्ला बढ़ा दिया, डोंट वरी। वैसे बारिश भी हो रही है, अच्छी बात यह है कि पानी अभी चाहूँ तो आराम से पी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ उसको कंप्लीट करते हैं, ये अब बस 20 लकड़ियाँ चाहिए होंगी, वो लेके आते फटाफट, उससे पहले गेम सेव कर लेता बिकॉज हो सकता है जाऊँ और मारा जाऊँ तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। चलो वैसे अभी अभी तक आज के एपिसोड में कोई मौत नहीं हुई है हमारी, ये अच्छी बात है, अभी तक मैं जिंदा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। 14 नंबर 12 नंबर इस पे करते हैं, अभी तक हमारा कोई रेनबो सिक्स का सेकंड यार डार्सी, देखो आई होप का नाम डार्सी ही हो,
वो सुखचैन साहब के साथ खेला था मैंने, और वो आएंगे तो फिर उसके बाद माइनक्राफ्ट भी खेल पाऊंगा मैं, ये भी खेल पाऊंगा, बहुत सारे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। किसी इंसान को अपनी लाइफ में आप कभी भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। एक बात, दो बातें हमेशा याद रखना, लाइफ में बहुत काम आएंगी। पहला, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और सबको खुश नहीं कर सकते। अगर ये दो बातें अपने दिमाग में याद रखोगे ना, कभी आप दुखी नहीं होगे ज्यादा। सबको आप खुश नहीं कर सकते और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? चलो मैं कहां पे था? हाँ, स्टिक पे था। समीर, आपने एक सुपर जेडियट, सॉरी मैं सही पकड़ा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, तो अभी सच्चाई बाहर आ चुकी है ब्रो। हाँ, मैं समझ गया था ना, ये जो लोग गुटर गुटर करते हैं थोड़ा ये टाइपिंग की गड़बड़ा आती है जब माहौल बनाते हैं बैठते हैं तो। समीर साहब, मैं समझ गया था, इसलिए मैंने बोला था। ओमकार, ऑफ कोर्स योर स्ट्रीम इज द बेस्ट स्टार्ट टू अ वीकेंड, थैंक यू सो मच ओमकार सुपर चैट के लिए। बस आप एक बार रिमाइंड करा देना बस लास्ट में। चलो काटे पीटी, मैंने इसको ट्रैप को तब से ला के छोड़ रखा, आज तक इसमें उसके बाद कोई फंसा ही नहीं इसमें। खैर चलो आप कोई काम करते हैं, ये करते हैं। ऐसी आवाजें क्यों आ रही है हाफने जैसी? ये बहुत स्टेमिना ले, एक काम करो ना इसे काटो, फिर क्या दिक्कत है, स्टेमिना बहुत ले रहा है। बर्ड हाउस बना लीजिए, फेदर मिलते कहाँ पे थे मिनाटी साहब, धन्यवाद बताने के लिए। बर्ड हाउस में देखा भी था, मैंने बनाया नहीं था अभी तक, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे उसका यूज नहीं मालूम था। वैसे पता है, मुझे लगता है कि मेरे वाले में कुछ ग्लिच है, बिकॉज प्लेन में दोबारा हम जा सकने का ऑप्शन होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, इस चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है। देखो मैं सांस में फिर बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ घूम रही माइंड में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेश वर्मा, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए यार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया महेश साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लेन एक इस ऊंचाई पे है जहाँ मैं जा नहीं पा रहा हूँ प्लेन में, ठीक है, तो क्यों ना प्लेन के पास एक सीढ़ी नुमा रास्ता बना दे, तो उस पे चढ़ के फिर मैं प्लेन के अंदर जा सकता हूँ। ये मेरा सोचा है मैंने ऐसा करने के लिए, अगर ये हो गया, काम कर गया, तो फिर मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं, ट्राई करके देखेंगे। वैसे बारह लकड़ियां हो गई और 13, 14, 15। सारा दीदी यूट्यूब पे नहीं, क्योंकि यार सारा दीदी की अपनी भी लाइफ है, अपनी भी पढ़ाई है, जॉब है, तो उसमें बिजी हैं, तो आई थिंक एक बार वहाँ पे शायद कंप्लीट करने के बाद ही अब वो वापस आएंगी। और ये बुरी बात नहीं है यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि ये इसे कोई भरोसा नहीं है, कल है नहीं है, बट एक बार आप पढ़ लिख लोगे अच्छा सा, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है, वो रहेगा तो कल को कुछ भी कर सकते हो, समझ में आई बात, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो 20 लकड़ियाँ मेरे पास लगाते हैं, फटाफट एक्टिव करते हैं इसे। मेरा एक छोटा सवाल है यहाँ पे, जो ट्रैप मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं इसी ट्रैप पे अगर चढ़ जाऊँ तो क्या मैं मर जाऊँगा? मतलब यहाँ पे वैसे खोपड़ी का ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब कोई हो तो मैं टेस्टिंग कर लूँ, कोई आ भी नहीं रहा अब, जब ज़रूरत है तो कोई आ भी नहीं रहा कि टेस्टिंग हो जाए थोड़ी सी, मतलब मैं अपनी ट्रैप पर मर सकता हूँ? आई थिंक शायद मर जाऊँ। चलो बिग फैन वैन मत बोलो यार, फैन वैन कुछ नहीं होता बाबा, आप किसी की बातें बातें अच्छी लगती है, आप उसको लाइफ में ढालो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। फैन जैसा कुछ नहीं होता, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ ना कुछ, जैसे लोग कमेंट करते हैं एक बार मैंने नाम बोल दो, थोड़ा अजीब लगता है सुन के, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, मैं परमात्मा थोड़ी हूँ कि आप ऐसा बोल रहे हो, लाइटली लिया करो चीज़ों को, बहुत सीरियसली नहीं, ठीक है? चलो मैं कल के लिए अगर मान लो बहुत ज़रूरत पड़ी तो इसे लकड़ी इकट्ठी कर ले रहा हूँ कि कुछ बनाना पड़ा तो। वैसे बर्ड हाउस बनाते हैं, फेदर मिलते रहेंगे तो एरोज मिलते रहेंगे, ये अच्छा आइडिया है। बहुत जोरों की बारिश हो रही है, क्या बात है। सेव करो फिर मारो फिर मरो, नहीं ऐसा प्लान अच्छा है, बट सेव कर ले तो मैं मरूंगा नहीं। एक आइडिया है मेरे, जो मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, प्लेन के पास सीढ़ियों बनाने के लिए, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं वो ट्राई कर सकता हूँ। जरा एक बार अपना थम्सअप दिखाना मुझे,
फिर मैं जाता हूँ प्लेन के पास और बनाता हूँ सीढ़ी और फिर घुसते हैं प्लेन के अंदर। अगर आप लोग रेडी हो इस चीज़ के लिए। गेम सेव करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ओह, ये टूट रहा था शायद। You have received a message. क्या बात है? और कुछ है रिपेयर करने वाला? मैं रिपेयर कर दूं, बड़ा मजा आ रहा है इसे करने में। नहीं और कुछ नहीं है। इसका मतलब उन्होंने इस पे हमला किया था, उन्होंने इसको रिपेयर किया अभी अभी। नाइस वन, सारे कर रहे हो। ओके ठीक है। हैप्पी बर्थडे, बहुत इफेक्टिव ट्रैप है। ओके अमन अरमान, व्हेन यू नॉट गिव अप योरसेल्फ नोबडी डिफीट यू। क्या बात है, बात तो सही है भाई, बहुत सही कहा आपने। वही कहते ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जब तक तू जिंदा है छांच पकड़ के खींच। चलो प्लेन के पास चलते हैं। अगर पता है प्लेन के पास जाने का मतलब, मेरा रीजन क्या है प्लेन में क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्लेन से हम यहाँ पे आए थे और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा बेटा अगर टिमी को बोलूँ, वो जिसको जो गुम हो चुका है, अगर उसको वापस चाहिए मिलना है हमें, तो मेरे पास हेल्थ वेल्थ रहनी चाहिए और प्लेन में मेडिसिन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे अब तक 14-15 दिन हो चुके हैं, मुझे अब तक एलोवेरा नहीं मिला यहाँ पे, एलोवेरा अभी तक एक बार भी नहीं मिला है। ये खा सकते हैं? बढ़िया, कुछ चीज़ें जो खा सकते हैं, कुछ है जो नहीं खा सकते उनसे। इसको ये इकट्ठा नहीं होगा क्या? हाँ इसको भर लेते हैं ना, अगर जरूरत पड़ी तो काम आएगा फिर। एनीवे बट मुश्किल ये है कि प्लेन, ये रहा प्लेन, ये रहा। आवाजें आ रही हैं, शायद मेरे बेस में मे भी हमला होने वाला हो। लकड़ी लगाओ, कहाँ पे लगाओ? ये कैंप है इसके पास ही है, मैं थोड़ा सा वो बढ़ा लेता हूँ, मैं लेट में, ये आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसलिए बढ़ाया था। ये मेरे कैंप के पास ही था और ये लोकेशन वो जगह है जहाँ पे मशरूम मिलता है। वाओ, मॉडर्न एक्स मिल गई शायद। बहुत बहुत तेज शोर हो रहा है बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ा आप लोग धैर्य रखना ठीक है। अरे यार पिछली बार भी एक तीर से चूक गए थे हम लोग। मैंने अभी तक इसको मारा नहीं है, इसकी स्किन से भी कुछ तो कुछ तो मिलेगा। अगर ये फुदकना बंद करे तब तो मारूं। सामने है शायद, अब मैं पीछा नहीं करने वाला। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, एक तीर मारा मैंने, उसके बाद वाओ, उसके बाद वो गायब हो गई। डाइंग लाइट का अगला पार्ट कब आएगा? मे बी कल आई थिंक, शायद। डाइंग लाइट 2 से एक बात आई है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो थंबनेल वगैरह बनाते हैं और डिजाइनिंग करते हो, तो मेरा एक जो ईमेल है उस योर एंड्रो ही करके, उस आफ्ताब के पास, मेरा फ्रेंड आफ्ताब है उसके पास रहता है, आप कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ उनको, आप थोड़े 2-3 सैंपल भेजना, क्योंकि यार थंबनेल बनाने का मुझे आइडिया लगा, क्योंकि डाइंग लाइट 2 कुछ ऐसे उसमें वो फोटो मोड है नहीं, तो दिक्कत हो रही है। अगर आप बना सकते हो, आपका जो पे आउट होगा वो आपको पे भी कर देंगे, आप उनको अपने 2-3 डिजाइन वगैरह भेज देना डाइंग लाइट 2 का बना के, अगर पसंद आया तो आपसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ये बात अभी मेरे माइंड में आई तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप थंबनेल बनाते हो, डिजाइनिंग वगैरह करते हो, ऐसे कोई चीज़, तो आप मेक श्योर ही कॉन्टैक्ट करना yourandroking@gmail.com आफ्ताब, उनसे बात करना ठीक है। चलो यहाँ बनाते हैं, काम करते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है वो प्लेन जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, बहुत देर से मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आइटम मिल सकते हैं। सो लेट मी चेक, अगर कुछ ऐसा बन पाए। ये रहा स्टेयर्स, ये स्टेयर्स अगर नहीं, ऐसे नहीं, 5 लॉक चाहिए, अभी बढ़ाते फटाफट।
कितनी बार बोला है भैया जी हेडशॉट मारी, अरे मार तो रहा हूँ यार, लगे तो मिनाटी बदतमीज तुम्हारे वजह से नहीं ले पाया शॉट, वरना मैं तुम्हारी कमेंट ध्यान तो मार भी दिया होता। केव में, ये केव में जाऊंगा, जाऊंगा केव में जाऊंगा, आराम, हर चीज रिलैक्स रहो, आराम से होगी, जल्दीबाजी में नहीं होगी, टेक इट इजी। हमने अब तक अपने घर पे नहीं बनाया कभी ये स्टेयर, अब मैं यहां बना रहा हूं, बट कोई बात नहीं, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। हाय अमन, वो ओके, इतने स्टेयर से काम चलेगा नहीं, हमें दो तीन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा उस, ताकि मैं प्लेन के अंदर जा पाऊं। इस प्लेन के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं लोगों की और पैसेंजर्स की, बट मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि एक बार मैं यहां से जंप करूं। Yeah, baby! आराम से खेलने दो, हमें आराम से ही खेल रहा हूं बाबा, कहां इतना परेशान हो रहे हो। कस्टम स्टेयर्स बनाओ बाबा, रे क्या क्या बनाऊ मैं। ये आंटी मेडिसिन्स बहुत ले लिए मैंने, शायद और लेनी नहीं पाऊंगा। एनीवे तरीका होता नहीं है, खोजना पड़ता, हमने वही किया। खाना रखा है पे, खाना, मेरी हेल्थ फुल है वैसे, मैं उठाऊंगा नहीं, और देख लेते हैं, फूड रखा है पे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन में चीजें स्पॉन होती हैं, ये बात हर सुबह होती होंगी, बट एक मिनट काम करता है, इकट्ठा नहीं करेंगे, इनको बना के रख लेते हैं। अगली बार जब फाइट हुई तो इन पर यही मारेंगे, उठा के मोलोटो फेंक के मारेंगे, तो थोड़ा आसान होगा। एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, आप 60 FPS पे स्ट्रीम क्यों नहीं करते, आप 60 FPS पे ही कर रहे हो पगलू। आजम आपको दिखाऊं नॉर्मल FPS क्या होता है, लेट मी शो यू। इसी बात पे अगर मैं यहाँ पे गेम प्ले पे इंटरफेस पे आता हूँ, तो यहाँ देखो परफॉर्मेंस मोड पे जाकर मैं इसको ऑफ कर दूं, अब देखो अब जो ग्राफिक्स होगी थोड़ी खिल के आएगी। अब देखना आप फ्रेम रेट, लेट मी शो यू, चक्कर खा गिरना नहीं, ये देखो कितना भयंकर गंदा दिख रहा है, ये है 30 FPS, ये चक्कर आ जाएगा इसमें देखोगे तो। रहने दो, हटा रहा हूँ इसको मैं, ग्राफिक्स इनहेंस हो जाएगी ऑब्वियसली, बट इसलिए मैं खेल रहा हूँ परफॉर्मेंस मोड पे, ताकि आपको कुछ ऑन किया क्या मैंने, आपको इस पे दिखाई दे ऐसे, बुझाया चलो क्या फ्यूचर में डिस्कॉर्ड सर्वर बनाएंगे, शायद शायद, अभी ऐसा कुछ कंफर्म मैं नहीं कर सकता, मे बी फ्यूचर में तो प्लान है कि हाँ बहुत कुछ बनाऊं। चलो आप लोग जो कह रहे हो मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर इसको मारा तो उसकी हड्डियाँ वही टूटी हुई हैं, ये बहुत ही इंसानियत से हट के चीज़ें कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ कपड़े के लिए। सो आंखें बंद करो और वॉच करो, आई होप इस वीडियो पे ऐसा कुछ वो ना आ जाए। मैंने क्या निकाला उसकी बॉडी से, फुल टी शर्ट जैकेट एंड ब्लैक ब्लू जीन्स एंड ग्रे टी शर्ट, उसकी बॉडी से क्या निकाला फिर मैंने, पता नहीं। खैर अरे बाबा आएगा घोष और सुशीमा, ये वो सब आएगा, इतना परेशान क्यों रहते हो आप लोग यार। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कोई भी स्ट्रीम देख, सब सारे स्ट्रीमर को ऐसे परेशान करते हो कि बस ये बस मेरे साथ ही करते हो, कि मतलब वॉच कर रहे हो कुछ और ये ला वो ला ये लाओ। मैं तो ये सोचता हूँ कभी अभी कल गर्लफ्रेंड फ्रेंड बनी तो आप लोग क्या करोगे फिर यार, नहीं मुझे ये नहीं मुझे वो चीज, ऐसे करोगे आई मीन आप लोग को, आप लोग प्रेजेंट में नहीं रहते हो कि मतलब जो सामने जो चीज़ चल रही है उसको एंजॉय करें, वो कभी नहीं करते हो, जो चीज़ नहीं है जिसका पता नहीं दूर तक कोई अस्तित्व होगा नहीं होगा आप उसमें घुसे रहते हो, आई डोंट नो व्हाई, ये अच्छी बात नहीं है लेकिन सच बताऊँ आपको बाद में नुकसान करेगा ये चीज़ें। खैर मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया और मैं यहां से निकल रहा हूं अपने घर की ओर। एक सेकंड कुछ मिस हुआ शायद। समीर हर हर महादेव, समीर आप करके रहो, जरा बताओ एक बार मुझे, आई मीन कुछ खा रहे हो कुछ पी रहे हो, कहां बिजी हो, मैं जाना चाहता हूं बस, एक मन में है। जतिन हाय केम छो मजाबा, मोहित भाई एकदम बढ़िया है, जतिन साहब
एकदम बढ़िया मजे में। फिर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर आपकी यूट्यूब में मे बी कुछ ग्लिच होगा बिकॉज बाकी ऑडियंस में तो आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो। लव यू लव यू लव यू लव यू कर रहे हैं सारे। ओह बॉय स्ट्रीम बंद हो गई शायद। स्ट्रीम बंद नहीं हुई, मैं तो यहीं पे हूं। स्ट्रीम बंद नहीं हुई है, स्ट्रीम बंद नहीं हुई है यार। मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं स्ट्रीम बंद नहीं हुई है, मैं यहीं पे हूं। पता नहीं दिख रहा है आप लोग कुछ दिख रहा है कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं बंद कर दूं वेट करूं क्या करूं। मेरी तरफ से कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक उछल रहा हूं। आप लोग अगर स्ट्रीम बंद हो गई तो बंद कर दो, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। आप लोग थोड़ा वेट कर लो, देख लो, फिर बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूं। तब तक मैं बॉर्नविल खा लूं। पानी वानी पी लो आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। इसको एक ब्रेक की तरह समझो, पानी वानी पी लो फिर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम ऑन है, स्ट्रीम बंद नहीं हुई, मैं यहीं पे हूं। आई डोंट नो क्या हुआ था यार। You have received a message. पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी तरफ से नहीं दिक्कत, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं हुई यार, मैंने कुछ नहीं किया। वो पता नहीं क्यों बंद हुआ है। अरमान तिवारी क्या करे दोस्त, मोहब्बत ही ऐसी हो ऐसी है। क्या बात है तिवारी जी, बड़ी मोहब्बत की अपने लाइफ में आप, लगता है आपने। खैर अरे यार ये बड़ी गलत बात है लेकिन स्ट्रीम का इस तरह से बंद हो जाना, और ये ऑडियंस को लगता है स्ट्रीम बंद हो गई, वो चले जाते हैं, फिर ये वापस ऑन हो जाता है। अभी अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ था कि मैं क्लोज भी कर सकूं स्ट्रीम को, अभी तो स्ट्रीम स्टार्ट की ये समझ लो। मज़ा आना स्टार्ट हुआ था कि बंद हो गया स्ट्रीम। मैं स्लॉट नंबर 1 पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है चलो। एक काम करते हैं, थोड़ा समय पानी नहीं पी लेता हूँ, रिफ्रेश हो लेता हूँ, आप लोग भी हो लो, मैं एक टाइमर लगाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, एक थोड़ा सा टाइमर लगा रहा हूँ, तुरंत बाइक आता हूँ 2 से 3 मिनट में, ठीक है। प्लीज मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, फिर हम मिलते हैं ठीक 3 मिनट में, एग्जैक्ट 3 मिनट में। चलो
सब कुछ ठीक है ना यार? ऑडियंस ही नहीं है अब तो। शिट, कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं पे हूँ। स्ट्रीम पता नहीं क्यों बीच में पॉज हो गई थी, बदतमीजी कर दी स्ट्रीम ना, प्रॉब्लम कर दी इसने। खैर चुनो लगे तो दिन कर लें, थोड़ा बैठता हूँ यहाँ पे, रिलैक्स होते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं। अरे यार आपको बर्ड हाउस की पड़ी है, मतलब इंसान हो कि क्या हो यार? थोड़ा सांस ले सकते हो आप एक मिनट के लिए? मुझे सांस लेने दोगे? मैं बनाऊंगा, मैं पागल कर दोगे स्ट्रीम में? क्या चाहते हो, लाइव बंद कर दूं क्या? ऐसे नहीं करते यार, सांस लो थोड़ा। शिट यार सीरियसली, मतलब बिल्कुल चैन ही नहीं है अंदर, बेचैन हो जाते हो। थोड़ा रिलैक्स रहो, इतना परेशान नहीं होते किसी चीज़ के लिए। बर्ड हाउस, बर्ड, अरे बना लूंगा बर्ड हाउस यार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक जगह बैठ के सांस लेने दो मुझे, रुक जाओ। स्ट्रीम बंद हो गई थी, वापस स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा ऑडियंस को देखने दो, समझने दो, क्यों इतना सफेद बर्फी लग रहा हूं मैं आपको? खा लो आगे, बदतमीज कौन है ये? टेक आरे, बदतमीजी कर रहे हैं सब। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, छड़े करते दिन करते, पहले बहुत रात हो गई है, स्टार्ट करते हैं। मैं भी दिन नहीं कर पाऊंगा। ओके बेट, लाइटर, थैंक यू सो मच, ऑल इज वेल। ओके 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 ओके, थोड़ा सा देखो जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, जल्दी ले करोगे सब बिगड़ जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा और फिर हो चुकी स्ट्रीम, तो ऐसा मत करोगे मैं पागल हो जाऊं और सब खराब हो जाए काम। तो रिलैक्स होगा, आराम चलो, ये आएगा वो आएगा सब आएगा, सब धीरे धीरे आएगा ना, एक साथ कुछ नहीं हो सकता। सांस लेके आराम से, टेंशन नहीं लेने का, मैं इधर ही हूँ, ठीक है? लैग 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 कर रहा है, लैग कर रहा है। ओके 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 ओके, उम्मीद करता हूँ लैग नहीं करेगा, फिल्म थोड़ा खाना खा लूँ उसके बाद। अब एक बार मैं सुबह करने वाला हूँ, एक बार कंफर्म करना आवाज़ सही आ रही है, लैग तो नहीं कर रहा, फिर हम स्ट्रीम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? आज का स्ट्रीम सुबह भी कर नहीं पाऊँ, कुछ वेट और थोड़ा सा करना पड़ेगा, बस थोड़ा वेट और, ठीक है? एक मिनट, महेश वर्मा साहब धन्यवाद यार सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक अ डीप ब्रेथ, मैं जो डीप ब्रेथ ले लूँ आप लोग भी लो ना डीप ब्रेथ, सिर्फ मेरे लिए क्या होगा? ताहिर खान, खान साहब बताइए प्लीज यार, लैग कर रहा है क्या अभी भी? ये स्पॉइल हो गया ना, स्पॉइल वाला है, जो एक्स्ट्रा मीटर से टांग देते हैं कुछ लेकर, क्यों घूमना नहीं, बढ़िया। मेरे पास तीन स्टैंड ऐसे हैं जो बिल्कुल फुल है, मतलब मीट से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं कल को वो करूँ तो, बिल्कुल ठीक है, नो लैग नो ऑडियो इशू, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया किंग गेम प्लेस, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चलो फिर मैं दिन करते, फिर हम आगे कंटिन्यू करते फर्दर, ठीक है? ओके वेट, अभी दिन करने का ऑप्शन आ नहीं रहा, थोड़ा सा मुझे रात में और घूमना पड़ेगा, तो एक काम करते रात में घूमना है तो कुछ कर लेते ना, कुछ काम कर लेते हैं, अगर रात में रुकना ही है तो क्यों ना कुछ काम कर लें, देखते हैं हम और क्या क्राफ्ट कर सकते हैं। लेट मी चेक। ओके, अरे हाँ आ जाओ बर्ड ट्री पे, आ जाओ यार आ जाओ, वरना मिनाटी मिनाटी साहब परेशान होकर भाग जाएंगे। ओके कृष्णा, हाय कृष्णा हाय, चलो देखते हैं भाई कहाँ है, बर्ड हाउस बनाता हूँ मैं, माइक को थोड़ा साइड करता हूँ उसके बाद। ऑलराइट, हम वॉल प्लांटर, ये रहा बर्ड हाउस, चलो बनाते हैं बर्ड हाउस, लेकिन बनेगा कहाँ? एक लॉक चाहिए होगा, और एक काम करता हूँ, आप लोग याद ला नहीं रहे हो इसके लिए, वैसे फुल है वैसे तो यार, मैं उम्मीद करता हूँ को बहुत डार्क नहीं दिख रहा होगा यार, थोड़ा सा है ना। चलो बन गया बर्ड हाउस, और बनाते हैं बर्ड हाउस, और बनाते हैं, और काम की चीज़ होगी ये, और बनाते हैं। हाय, लाइटर से बीड़ी पी लो रौनक, आ जाओ आप भी आ जाओ, पीते हैं बीड़ी, लेकिन बस एक शर्त है, उस बीड़ी को बुझाऊंगा मैं ऐसी जगह जहां आपको, जहां सूरज नहीं चमकता,
बस आप भागना नहीं हुई है, सोच लो फिर बीड़ी साथ पिएंगे। शर्त बस इतनी सी होगी, जब बीड़ी बुझाने की बारी आएगी तो मैं ऐसी जगह बुझाऊंगा जहाँ सूरज नहीं चमकेगा। अगर आप वो झेल पाओगे तो बताओ, फिर बनाते हैं माहौल। चलो ये रहा बर्ड हाउस, एक और बनाते हैं, लगे हाथों मजा आएगा। एक और बढ़िया, तीन बर्ड हाउस हो गए। अब देखते हैं बर्ड हाउस पे चिड़िया आती या नहीं। ओके लॉक चाहिए होगी ना, दो लॉक। अभी रात का वक्त है, थोड़ा अंधेरा लगेगा, थोड़ा सब रखना ठीक है। परफेक्ट, अब मैंने बना दिया यहाँ पे तीन तीन बर्ड हाउस। अब हमें वेट करना है कि इसके यहाँ से हमें फेदर मिलेगा शायद, आई डोंट नो। बर्ड हाउस में बर्ड आके रुकती या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने बस बना दिया। इसको उठा लेते हैं, ये भी पता नहीं इसका कुछ खास यूज है क्योंकि दिखा तो नहीं है, तो इसको वहीं लगाते हैं जहाँ हमें लगता है कि काम आ सकता है, लाइक वाटर कलेक्टर में, यहाँ लगाते हैं। मेरे पास स्टिक्स भी कम हो रही है। ओके, सांस लो आराम से। चलो दिन करता हूँ, अब थोड़ा सा और वक्त लगेगा, हल्का सा, इन्नी मुन्नी सा, तब तो देख लेते हैं और क्या बन सकता है। लार्ज कैबिनेट, ये कैबिनेट है किसके लिए, मतलब क्या रख सकते हैं यहाँ पे? अगर नहीं रहने दो, एरो बास्केट, एरो के लिए बास्केट नहीं, एरो है मेरे पास का, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। कस्टम फ्लोर नहीं बनाना, कस्टम रूफ नहीं बनाना, कस्टम वॉल बना सकते हैं। एक मिनट, कस्टम वॉल अगर इसके ऊपर बनाऊं तो नहीं बनेगा क्या? बनेगा। अरे ग्लिच कहाँ है कर, इसने पूरा घेर लिया उसको कस्टम वॉल ने। कंप्लीट कर दे क्या, मजा आएगा, करते हैं कंप्लीट, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, चेक करते हैं ना। इतने भी गेम वाले बुद्धू नहीं है, आपको कस्टम वॉल बनाना है तो जहां वहीं बनेगा जहां पे पहले से वो बनी हुई है पत्थर वाली, लाइक ये ऐसे मैं बनाता हूँ, इसको कंप्लीट करते रहते मजा आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने पत्थर के गोल सा वो बनाया हुआ ना अपना डिफेंस के लिए, हम उसी के ऊपर बना रहे हैं। बर्ड हाउस से फेदर मिलेगा, या आई नो बट अभी तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, आई मीन बर्ड ही नहीं है उसके अंदर, शायद बाद में आएंगी, पता नहीं। चलो इसको लेके चलते हैं। वैसे एक तरीका है, क्यों ना मैं उजाला कर लेता हूँ, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है मुझे। अरे यार अभी लगभग आई थिंक एक या दो मिनट लगेगा उसके लिए, ताकि दिन हो जाए और फिर हम आगे काम करें। व्हाट्स अप मैन, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, लेट मी डू द जॉब नाउ। तब से बैठे हुए हैं, सोच रहा ये करेंगे वो करेंगे, कर कुछ हो रहा, वो पा नहीं रहा। आओ इससे बनाना आसान है, बिकॉज एक छोटे से पत्थर के लिए ना पूरा खोजना पड़ रहा है बहुत सारे पत्थर। लेकिन एक चीज और है, अगर इतनी आसानी से बन रहा है तो वो उतना ही फिर कमजोर होगा, वॉल बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। चने की सब्जी। एनीवे, सुमित पटेल थैंक यू सो मच यार सुपर चैट के लिए, डोनेशन के लिए थैंक यू। चलो एटलीस्ट एक वॉल तो पूरी कंप्लीट हो, बाकी आगे 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 देखेंगे हम बाद में। अरे प्रभात क्या करना क्या चाहते हो? बर्ड हाउस से फेदर मिलेगा, बर्ड हाउस से फेदर, आई नो ऑलरेडी बर्ड हाउस से फेदर मिलेगा, रुक जाओ सांस लो, फेदर तो परेशान हो जाते पता नहीं कितनी जल्दी। चलो कंप्लीट हो गया, थोड़ा एक और लगा देते हैं अगर यहां लग पाया तो। नहीं परफेक्ट, एक वॉल तुम्हारी बनी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से ठीक है, ये वाली। और अभी भी फिर से मैं यही बोलूंगा, चेक योर वाटर बार, मैं जानबूझ के फुल नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं रात को सोऊं तो सुबह सुबह दोबारा फिर खाली हो जाएगा ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ फुल।
थोड़ा समझो इस चीज़ को आप, यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। बुझाया? चलो कुछ 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 पल और, बस कुछ पल और, हो गया, डन, फाइनली। कहावा के पियर माटी। ओके, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। समीर, मस्त चिल्ड बियर पीकर हमारा फार्म हाउस पे मटन बन कबाब बना है। समीर साहब, मैं समझ गया था, जब माहौल बनता है ना ऐसे, जब भौजी का मैसेज आता तो रिप्लाई ढंग से हो नहीं पाता, फिर भौजी बोलती है क्या लिख रहे हो, फिर उनको बताते हैं, अरे मेरी बिल्लो चिकन बना हुआ है, खाना खा रहे हैं, पियर पी रहे हैं ना, तो फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है पी लो अकेले अकेले, लेकिन जब वो आती है साथ में तो उसको तो पीना होता नहीं है, लेकिन चिढ़ाती है। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात समीर साहब, मैं रिलेट कर सकता हूँ इससे। अगर मेरी मम्मी ने देखा होगा ना स्ट्रीम, इतना बिलन पड़ेंगे ना, मुझे घर जाऊंगा तो सच में बहुत मारेंगे वो। ये सब बातें कर रहा हूँ। ओमकार दिवाकर साहब, भाई एक सजेशन, व्हाई डोंट यू लॉन्च योर ओन मर्चेंडाइज, वी वुड लव टू बाय इट। ओमकार साहब, ये बहुत दूर की बात कर दी आपने, ऐसा कोई प्लान अभी तक अभी नहीं है, और अगर मैं लॉन्च करता भी उसमें मैं क्या क्या बनाऊंगा, क्या लिखूंगा उसके ऊपर। अच्छा आइडिया है, बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सच बताऊं तो पता नहीं। एक मिनट थोड़ी हंटिंग कर ले। परफेक्ट। हेलो, समवन इज वाचिंग, वाचिंग, दैट्स व्हाई यू कांट स्लीप। समवन इज वाचिंग, नहीं नहीं, वाचिंग वाचिंग यू नहीं था। अब मैं चाहूँ तो तुरंत बार बार सोता रहूँगा, दिन बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता, तो एक लिमिट होता है उसके लिए। फूड का ऑप्शन आ रहा है, खाने का ऑप्शन आ रहा है, ये खाना सड़ चुका होगा, मैं इसको खा के पेट थोड़ी भरेगा, दोबारा पकाना पड़ेगा। मैंने जिस औरत को मारा था उस फ्लाइट में, मैंने उसी की ड्रेस पहन रखी है यार, देख रहे हो आप, उसी औरत के कपड़े पहन रखे हैं मैंने। ये बहुत गंदा लगा रहा है, इसको पका के खा जाते हैं। चलो ये रहा, ये फूड फूड फूड, हाँ मैं खा रहा हूँ। समवन इज वॉचिंग यू, मे बी, वैसे भी यहाँ पे तो हर वक्त कोई ना कोई देख ही रहा होता, अब कितना मैं ध्यान दूंगा यार आप। चलो फिलहाल खाना खाते हैं, पक गया शायद। मैं इंसान का हाथ खा रहा हूँ इस वक्त, आपको आवाज आ रही है, सन्न सन्न सी बहुत तेज आवाज आ रही है, ये खत्म हो गई। एनीवे परफेक्ट, इस मीट को ड्रॉप करते हैं ऐसी जगह जहां मैं दोबारा इसको उठा के खा ना जाऊं गलती से भी, लाइक यहां पे। अल्ताफ, मोहित ब्रो कैसे हो, लव फ्रॉम कश्मीर। एकदम बढ़िया अल्ताफ साहब, बहुत बढ़िया, एकदम मजा बा, जहर इज बैक, वाओ। चलो ये हो गया और सेव करते हैं, थोड़ी लकड़ियां लेके, थोड़े पत्थर लेके आते हैं और बाकी डिफेंस भी कंप्लीट करते हैं। देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्यों सो नहीं पा रहा था। लेफ्ट देखो, एक टाइमर चल रहा है, जब तक टाइमर दोबारा कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। राजा कुमार राव, थैंक यू सो मच डोनेशन के लिए, आपने जो स्कैन करके भेजा, थैंक यू सो मच राजा कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सेव कर लेता है, स्लॉट 13 दिन हो चुके हैं, 14 स्लॉट नंबर 2 पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा बस, ताकि आप हम दोबारा लोड करें तो आपको पता रहे। देखो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, केव में डाइविंग सूट मिलता है, किसी ने कहा था केव में कटाना मिलती है, किसी ने कहा था केव में क्या बोलते हैं, मॉडर्न एक्स मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि केव में एक बार जा चुका हूँ, और दिक्कत ये है कि वहाँ जाने के लिए मैं थोड़ा सा वेट किया था कि दोबारा जाने से पहले खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ, इसलिए मैं गया नहीं था लास्ट टाइम, लेकिन एक बार दोबारा अब जाने का मन कर रहा है, दिन हो चुका है, चलते हैं, चलो चलते हैं, इसी बात पे मज़ा आएगा, खुद को थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं अपग्रेड, और फिर निकलते हैं। मोलोटो वगैरह है ही, अगर फाइट हुई तो रगड़ देंगे पकड़ के ससुरे को, क्या दिक्कत है, चलते हैं, आइडिया बुरा नहीं है ये। एक मिनट, इनको टांग देता हूँ पहले मैं, बढ़िया। मेरे पास 3, ये स्पॉइल तो नहीं हो गया, ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है ये,
पता नहीं, कुछ खा लेता हूँ फिर निकलता है, बिकॉज थोड़ी सी कम है मेरी हेल्थ, कुछ खा लेता फिर निकलता हूँ। चलो अगर आप लोग को लगता है कि मैं दोबारा सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे केव में जाना चाहिए, तो एक बार थम्सअप दिखाना, एक थम्सअप दिखाओ ताकि हम दोबारा केव में चले उस हॉरर वाली भूतिया जगह पे जहाँ पे आपका जाने का बड़ा मन कर रहा है। चलते हैं वहां पे, लेट्स गो किंग गेम प्लेस। चैनल नेम में किंग ऐड कर दिया, थैंक यू सो मच। वॉइस इज लो, मेरी वॉइस कम आ रही है, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने वॉइस से फिल्टर लगाया हुआ है, मर्द वाले फिल्टर के बाद ही मेरी वॉइस कम आ रही है, ये मैं मान नहीं सकता, गलत बात। एनीवे अब इसको पकाते हैं फिर खाते हैं। मेरे पास दो दो मीट है क्या? ये दो दो क्यों दिखा रहा है ऑप्शन? एनीवे सभी थम्सअप दे रहे हैं, अभी मर जाऊंगा सारे खिगला के हंस पड़ेंगे बदतमीज कहीं के, यही लोग थम्सअप दे रहे हैं, यही मेरे मरने पे हंसेंगे। चलो ठीक है, चलो 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 फिर, अब आप लोग इतना रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, चलते हैं। नहीं सेव नहीं, सेव नहीं, सेव नहीं, सेव नहीं, सेव नहीं करना चाचा, सेव नहीं करना। लेट्स गो यार, एक चीज सोच रहा था मैं कि मैं पानी कैरी करने के लिए कुछ नहीं आता क्या? मैं पानी अगर पीना है मैं तो अंदर जाके तो कुछ पी सकूं, ऐसा कुछ नहीं होता लाइक मैं कुछ बना सकूं? एक्सप्लोसिव बनेगा, डैमेज वेपन बनेगा, मोलोटोप बनेगा, इसको लेके एक मिनट मैं ये करने वाला हूँ थोड़ा, अगर काम कर गया तो ये पक जाएगा, पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं उस गुफा के अंदर गया और पानी मिला बहुत सारा और पानी नहीं मिला मान लो और दिक्कत हो गई तो मैं इसको ले सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा था। मुझे मीट रखने का ऑप्शन है, मेरे पास कोई मीट है? मेरे पास मीट पड़ी तो है छोटी वाली, अरे यार शिट मैं देखा नहीं, तभी कहूँ मीट का ऑप्शन बार बार क्यों आ रहा है, ये तो मीट पड़ा हुआ है, स्पॉइल हो चुका है ये, एडिबल वो टांग भी नहीं पाऊंगा, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ऑप्शन है। जो मीट खराब होने वाला है ना उनको मैं टांग रहा हूं ताकि वो यहाँ पे लग जाए, और नहीं लग रहा है। अरे नहीं, शिट, आई नो बड़ी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इजी ऊप्स, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं पानी उठाने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं उठेगा कैसे, लेकिन अरे बाबा पीना नहीं है इसको उठा। आई थिंक मैं खोलता हुआ गर्म पानी अपने पास नहीं रख सकता, ये तो ऑब्वियसली ड्राई फूड आप ऐसे ही खा सकते हो बिना कुक किए, रियली फिर लेके चलते हैं, फिर दो तीन ड्राई वाले लेके चलते हैं। शुक्रिया बताने के लिए बाय द वे, बर्ड हाउस से कुछ आया? कुछ नहीं आया, इस वाले में कुछ नहीं आया। चलो निकलते हैं, देखो मैं इसकी बात कर रहा था, देखो 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 देखो, देखो इसकी बात कर रहा था मैं उस वक्त। आराम से ऐसा लगता है कि म्यूटेंट्स आपस में ही प्रजनन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और इन म्यूटेंट्स के बच्चे भी ऐसे ही कैनिबल्स या फिर म्यूटेंट टाइप के बाहर निकलते हैं, ये वही है शायद। ओके मिस्टर मिनाती, मैं समझ गया, मैं दोबारा उसको कुक नहीं करूंगा फिर, मैं ऐसे ही खाऊंगा। ऑफ हो गया, लोडिंग ऑफ हो, शिट मैन, आज पता नहीं क्या बोलूं मैं। अ
अब देख लो आप लोग, अब बंद हो गया तो मैं क्या करूँ, अब चलेगा अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं तो फिर ऑफ करके निकल जाएंगे। ऑफ नहीं हुआ है यार, मैं तो यहीं पे हूँ भाई। ऑफ पता नहीं क्यों बता रहा आप लोग को, ऑफ हुआ नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं तो कहीं नहीं, कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं इधर ही हूं यार। सुन रहे हो आप लोग, एक मिनट, अगर सुन रहे हो तो नागार्जुन रेड्डी साहब, मैं सुपर चैट देख लिया आपका, थैंक यू सो मच यार करने के लिए, और अब शायद आप, आई होप कि आप मेरी बात सुन रहे होगे। अरे नहीं यार, बंद नहीं हुई है भाई, क्या आप लोग बंद कर दूं, भाग गए हो तो बंद हो गई तो बताओ, वरना कंटिन्यू करूं। आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? ये YouTube की दिक्कत है, उसको रह के नशे होते रहते, कभी कभी नमक सूंघ लेता है वो, कभी तो उसको रह के कभी नशे होते हैं, तो स्ट्रीम की ऐसी तैसी कर देता है, वो आज वही हो रहा है। तो मेरी तरफ से कोई ग्लिच नहीं है, ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है, तो जो भी दिक्कत जो भी है प्रॉब्लम उनकी तरफ से है। आय हाय हाय हाय, दूसरा वीडियो चालू हो जाता है बार बार। एक बार आप लोग आ जाओ रिलैक्स होकर, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, तब तक थोड़ा ब्रेक ही तरह मान लो, और क्या 2 घंटे 15 मिनट हुए, 15 मिनट में फिर इसको बंद करते हैं, वरना ये बार बार दिक्कत करेगा, दिक्कत कर देगा, मतलब बार बार दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम अच्छा लगेगा नहीं इस तरह से। तो आप लोग आराम से थोड़ा सा आ जाओ, 20-25 मिनट और खेलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर सब ठीक है तो फिर ऑडियंस जीरो की हो गई यार, मैं तो जीरो दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इसको टाइमर लगा देता हूँ फिर, ताकि थोड़ा सा, मैंने टाइमर लगा दिया है ताकि थोड़ा सा वेट हो जाए और आप लोग आराम से आ जाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, मूंछों पे ताव दे रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। स्ट्रीम स्टार्ट होने में 2.5 मिनट बाकी हैं। स्ट्रीम स्टार्ट होने में 2 मिनट 15 सेकंड बाकी हैं। इंतजार करें, स्ट्रीम स्टार्ट होगा 1 मिनट 30 सेकंड में। हेलो, क्या पूजा बोल रही हूँ, आ गए क्या? अरे तो करना इंतजार। दिवाकर साहब धन्यवाद, केब में आपके मौत का तमाशा देखने हम आए हैं भाई, डोंट वरी बाय द डोंट फॉरगेट अबाउट रूबी रॉय। मैं भूलूंगा नहीं दिवाकर साहब, मैं तो ही सोच रहा हूँ कि सब कुछ ठीक रहे तो मैं कंटिन्यू करूँ। वैसे प्लान तो बंद करने का था भी नहीं मेरा, वैसे आज प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है बार बार। चलो 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 चलो, मैं आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार खरगोश मार दूँ फिर आपसे बात कर रहा हूँ। इधर की घूम रहा था बदतमीज, बढ़ेंगे भाग गया क्या शायद। लकी बास्टर्ड, अच्छा एरो वापस करके जाओ, अब जाओ जहां जाना है।
रीड। अरे भैया मैं ना कहीं नहीं गया, इंटरनेट की वजह से हो रहा, मेरे साथ ऐसा भी। इंटरनेट की वजह से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट का दिक्कत नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो एक मैंने लगा रखा अलग से एक सॉफ्टवेयर है जो बता रहा है कि ग्रीन बार कितना है, तो वो बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, दिक्कत यहाँ से नहीं है, इंटरनेट की दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम पहली बार नहीं हो रही है, प्रॉब्लम कुछ पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, बट ये हो चुका है पहले भी, सुखचैन के साथ ही बहुत बार हुआ है, तो दिक्कत इंटरनेट की नहीं है, ठीक है, चलो बट माफी चाहता हूँ उसके लिए, जिसके लिए भी जिसकी वजह से भी दिक्कत हुई हो, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों। हाँ ब्राइटनेस कम करता हूँ, थैंक यू बताने के लिए यार। मार रहा नहीं, आराम से मर भी जा। मैं रुक। ये हुई ना मर्दों वाली बात, बड़े आए थे फाइट करने ससुर। थोड़ा सांस लीजिए प्लीज, एक मिनट। कौन है? इसे क्यों काट? तो जला नहीं सकते क्या उठा के? मैं जला के दूसरा मरा भी ऐसी जगह उठा के लेके जा भी नहीं सकता मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेम गोस्वामी, लव यू ब्रो मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच प्रेम गोस्वामी साहब, अच्छा नाम है आपका, बड़ा प्यारा नाम है। आई डोंट थिंक मैं जला सकता हूँ मोहित भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। कर तो रहा हूँ बदतमीज, रगड़ दिया साले को पकड़ के, बदतमीज कहीं का, फाइट करने आया था हरामखोर। एनीवे मैं गुफा में जाने वाला था ना, हाँ वहां चलते हैं। एक बात समझ में नहीं आई, मेरे यार खत्म क्यों हो गए थे जल्दी यार? खैर कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, चलो बट रास्ते में और बनाते हुए चलेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो। मैंने बोला था ना यहाँ पे भयानक चीजें होंगी, थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। जेब बात, वैसे एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज और है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो हम मिल रहे हैं ना, इनको म्यूटेंट का आर्मर मोस्ट इफेक्टिव होता है, होगा बट कैसे उसको मारना है यार वो आइडिया नहीं लगा मुझे। एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मिलके मुझे पार्ट्स मिलते हैं जो मैं एक्सप्लोसिव बना सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जिससे वो बनता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कपड़ा चाहिए? नहीं ये चाहिए। इसमें एक चीज है यार, पार्ट नंबर टू पे देखो वो घड़ी बना हुआ है। घड़ी ऐसा क्या है? वो है क्या चीज? वो टाइमर है, घड़ी मतलब वॉच कहीं से लेके आनी पड़ेगी, या फिर कॉइन्स हैं क्या? एक क्या है? नहीं ब्लैकबेरीज, बाकी चीजें हैं मेरे पास, बस यही नहीं है कि बना पाऊं मैं धमाके के लिए। एनीवे रैबिट फर, इसको हटाओ जरा, कुछ बन सकता है इससे? ये क्या है? क्रिपी आर्मर, लगाओ पैरों में लगा हुआ है कुछ। अच्छा मैंने उसका वही काटा था ना क्रिपी आर्मर, अच्छा वही आप बोल रहे हो कि उससे बहुत स्ट्रांग आर्मर होता है, मैंने वही लगाया हुआ है। अरे यार मैंने मोल्टोव नहीं यूज किया उस टाइम, खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। पंख मेरे पास तीन है, लकड़ियाँ मेरे पास चार पाँच है, हाँ लकड़ी से याद आया, बनाते हैं वो एरो। अरे यार नहीं बन पाएगा, तो क्या बनाऊँ फिर? जैक मशरूम पॉइजन, जहरीला है ये,
जरा हटाओ इसको। पॉइजन एरो, आय हाय हाय। क्या बात है, और इतना ही थे? चलो सो मैं दोबारा जा रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ वहां पे उस गुफा में जहां पे मेरी मौत का इंतजार कोई कर रहा है। अगर मैं एम्प्टी बॉटल में डाल एम्प्टी बॉटल में क्या डालो यूज मोलोटोव। वो घड़ी का ऑप्शन आ रहा है, आप बॉटल की बात आप कर रहे हो। फिर मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है, दो सोडा कलेक्टेड। एनीवे कोई मेरी तरफ बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है और इसीलिए पानी के अंदर मैं छुप जाऊंगा। बहादुर पानी के अंदर कैसे? एक काम करते हैं, लगे हाथों एक बार और दो दो हाथ कर ही लेते हैं इनसे। नहीं मोलोटोव रहने दो, डायरेक्ट मारते हैं इसको। इसके सामने नहीं जाना बस, ताकि पीछे से लो साले की। मार रहा। हिलकम हो रही है, आराम से। पगलू किसको मारोगे, रुक जाओ। बढ़िया, मरेगा शायद अब वो। थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा रुकिए भाई साहब, लोग कहा इतना परेशान हो रहे जल्दीबाजी में, रुकिए इंतजार करिए। क्या चाहते हो, मर जाऊं उसके बाद बात करोगे आप? अरे किससे गलत चीज कर रहे हो पगलू, इससे मारो ना इसको। फाइनली, लेकिन यार इसको मार के जो ऑलरेडी मेरे पास था ना वो आर्मर, वो खत्म हो गया। बट इट्स ओके, मजा आया। लेकिन इसको जलाने का ऑप्शन नहीं है बदतमीज, वरना हड्डियां बहुत मिलती। चलो अब हम चलते हैं गुफा के अंदर। ओह वाव, एरो चेंज हो सकते हैं किसी, छोड़ो पॉइजन वाले एरो में इसे पंछी कैसे मारूंगा? अगर पॉइजन एरो का इस्तेमाल करता हूं पंछी मार रहे हैं, फिर वो भी पॉइजन हो जाएंगे, फिर खाने कुछ खा तो पाऊंगा नहीं उनको। ये रहा, एक काम क्यों नहीं करते, ये थोड़ा रुकते हैं राजा यहाँ पे और अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं, वो स्टेमिना, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्टेमिना खत्म हो चुकी है चाचा, रुक जाओ। आपकी बॉडी सारा आर्मर खत्म हो गया। या आई नो दैट मैन, तभी तो वहां पे पड़ा ना वो मार रहा, तभी तो मुझे बाद में डैमेज मिली, मुझे लगा कि खत्म हो गया है। और उसका लेवल है देख लो, सफेद वाला सबसे माइनर, सबसे कम था, और ये जो पिंक वाला सबसे हाई, आई थिंक सबसे तो नहीं बट कुछ हाई है उससे, इसलिए बहुत देर तक मैं सर्वाइव कर पाया। थोड़ी से बैठते हैं यहाँ पे, एनर्जी फुल हो जाएगी, फिर गुफा के अंदर जाएंगे क्योंकि फाइट वहाँ भी हो सकती है। फाइट वहाँ डोमिनेटर वॉरियर्स, आपको वो मिल जाएगा टाइम आउट अच्छा खासा वाला। मत करो प्लीज, मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो वो स्पैमिंग।
अब मौका आ गया है कि मैं आज की स्ट्रीम सेव करूँ, बंद करूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है इसकी वजह से, दिमाग की दही होगी सबका। हाँ मैं आज बंद ही कर रहा हूँ यार, अब नहीं खेलना, बस बहुत हो गया। कोशिश करके देख लिया बार बार, ऑफ, अब झेला नहीं जाएगा। आप लोग आ जाओ, एक दो मिनट थोड़ा वेट करता हूँ मैं, फिर स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, ठीक है? चलो। हेलो मिस्टर, हाय हाय, ये स्ट्रीम आज की बंद होने वाली है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट कुछ प्रॉब्लम है आज जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो बार बार ना हो इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ इसे। बट ठीक था, मज़ा आया। चलो मैं गेम सेव कर रहा, थोड़ा आप लोग से बातें करता हूँ, फिर बंद करके निकलते हैं यहाँ से। सेव, ओके, ध्यान रखता हूँ मैं, अब सेव कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है? चलो जाते जाते एक बात आपसे दो तीन बातें बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सुन ले, सुनना, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे ख़त्म करते हैं इसको। पहली बात यह है कि आज लाइव आया हूँ, चांसेस हैं कि कल भी लाइव आऊँ, ठीक है? चांसेस हैं, कल से परसों स्टार्ट करूँगा, लेकिन लगातार 2 या 3 दिन लाइव करके एक दिन गैप लूँगा मैं, ठीक है? ऐसे करने वाले हैं। इससे होगा क्या, आज हमारा हो गया फॉरेस्ट, कल को हो गया स्टैंडर्ड डीप, फिर हो गया अनचार्टेड 4, तो सभी चलते रहेंगे, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी खेलना है, तो सब चलते रहेंगे और बहुत गैप नहीं होगा इनमें, तो मैं ये करने वाला हूँ। बाकी जो वीडियोस मेरी नॉर्मल वाली आ रही है वो हम दिन के वक्त में करेंगे। कोई पंछी यहाँ पे आया? आ गया एक फेदर, बढ़िया। तो यहाँ भी आया होगा, यहाँ नहीं आया, यहाँ पे, यहाँ आ गया, बढ़िया। तो दिन के वक्त एरो क्राफ्ट हो सकती है ना अब तो? बोन भी, 5 बोन से ना बोन बनाते हैं, 1 2 3 4, वो रस्सी हटाओ, 5, एक हो गया डंडा और बढ़िया। ऑलराइट, सो ये करने वाले हैं, और चलिए थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। ओमकार दिवाकर साहब, अगर आप हो तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? अगर आप हो तो एरो का फेस नीचे करके R दबाने से एरो चेंज हो जाएगा। सौम्या अग्रवाल, मैं ट्राई करता हूँ यार, एक मिनट, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ओ वाओ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेट यार। दोबारा वो लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए शायद, बट मुझे मरना नहीं है यहाँ पे, तो मैं निकल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ओमकार दिवाकर साहब, आप हो यहाँ पे या जा चुके हो? यह आज के लाइफ में थोड़ी दिक्कत हुई, आई नो गाइज, कुछ प्रॉब्लम क्यों हुई है मुझे खुद नहीं पता क्यों हुआ है। कल यार पॉसिबल शायद, देखो कोशिश करूंगा, क्या कन्फर्म नहीं है, बिकॉज कल शाम को 6 बजे कहीं जाना है, और अगर मैं टाइम पे आ गया घर पे वापस तो फिर मैं लाइव करूंगा कल, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे। लेकिन हाँ, जब भी करूंगा अब लगातार चलेगा, ये समझ लो आप। और एक बात और जाने से पहले बताना चाहता हूँ, मेरे इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार वहाँ से चाहो तो टैग कर लो मुझे, ताकि आपको जब बताऊँ कि लाइव आने वाला है तो पता रहे, मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कब लाइव आने वाला हूँ, कब नहीं, तो मैं बताते रहूँगा, ठीक है? चलिए, आई थिंक दिवाकर साहब जा चुके हैं, सो मिलता हूँ फिर आपसे अगले एपिसोड में। ऑलराइट गाइस, जितने भी 70-72 लोग हो, प्लीज़ अपना अपना नाम कमेंट कर दो, एक बार आप लोगों का नाम पढ़ लूँ, फिर मैं यहाँ से निकलते हैं, बंद करते हैं आज की स्ट्रीम, प्लीज़। जल्दी फिर निकलते हैं। हाँ आराम किया, मेरा मन था और खेलने का यार, मैं 2-2.5 घंटा ही तो हुआ अभी, और मज़ा आ रहा था अच्छा खासा, लेकिन स्ट्रीम प्रॉब्लम कर रहा आज, इसलिए जाना पड़ रहा है। सत्यम, आदेश, सत्यम, अजय सैनी, लोकेश, सतीश, विक्की, अभिषेक कुमार, अमित, ओके, अजय सैनी, समीर, आशीष, सुख,
ओके हेलो सुख, प्रशांत नागर, सुमित नारायण, सौम्या अग्रवाल, और कोई है यहाँ पे? सतीश, अनिल कुमार, संदीप कुमार चौधरी है, चौधरी साहब, प्रियांशु धुरमंत, हाय मैन, हेलो। स्ट्रीम बंद करने वाला हूँ, बाय द वे अगर आप लोग अभी भी आए हो तो स्ट्रीम में ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो गई आज की स्ट्रीम में, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओमकार दिवाकर आप आ गए यहाँ पे, ओके चलिए फिर स्ट्रीम ऑफ। ओमकार दिवाकर साहब जैसा कही आप कहेंगे तो मैं आज की स्ट्रीम में से मूड तो ऑफ हो चुका है, कहेंगे तो मैं आज ही सुना के फिनिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट स्ट्रीम में मजे से फिनिश करूँ मूड रहे उस टाइम, जैसा आप कहिए सर। सिड वामसी, मसूम खान, दुर्मंत, महेंद्र, प्रेम, वशिष्ठ, मसूम खान, चलो बताओ 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 फटाफट बताओ, फिर हिसाब से कंप्लीट करते हैं या फिर बंद करें हम। बट मजा आ रहा था सच बताओ तो, आज अच्छा था आज के एपिसोड में वो चीज करना। राजा कुमार राव, हाय मिस्टर मिनाटी, फाइनली अपने नाम बताया आपने, राजा कुमार राव। कहाँ गए ओमकार साहब, कमेंट करो प्लीज, आई एम हियर, आई नो आप यहीं पे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताओ प्लीज कि आज के एपिसोड में रखें या फिर नेक्स्ट एपिसोड में मजे से करें। मैं कहता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में रखते हैं यार, आराम से हो जाएगा क्योंकि इसमें मूड भी रहेगा, मन भी रहेगा और माहौल भी रहेगा। आज का माहौल बिगड़ चुका है सच बताऊँ तो। आह, फॉरबिडन वेस्ट, डेज गॉन, अनचार्टेड, हर्षित, प्रियांशु, दिलीप गुप्ता, विष्णु शर्मा, हाय दिवाकर साहब, कमेंट आपका आ नहीं रहा इसलिए मैं बंद कर रहा हूं आज स्ट्रीम। थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए, माफी चाहूंगा उसके लिए कि आज प्रॉब्लम हो गई और मुझे स्ट्रीम बंद करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, डैम इंटरनेट। मेरा ये प्लान नहीं था आज का ऐसा स्ट्रीम बंद करने का, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एंड चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्ट्रीम में, नेक्स्ट स्ट्रीम में आपसे मिलता हूँ और फिर हम उस टाइम गाने वाने भी गाएंगे और मजे करेंगे।